तो एक्टिंग करें एक्टिंग पे बात करें, तुम डिसाइड करो, या दोनों करें? दोनों करते हैं, पहले एक्टिंग करते हैं, क्योंकि एक्टिंग जो चीज है वो की जाती है, उसमें कभी बात नहीं की जाती। पर हम बात करेंगे कुछ अच्छे रोल्स की, कुछ एक्टर्स की, एक्टर्स की बात करेंगे, पर हम एक्टिंग करेंगे। कितने एक्टर्स हैं सब, कितने गिने हुए हैं लोग, कितने हैं टोटल एक्टर यहाँ? कितने इस समय कितने हैं? 19। तो नौ नौ की हम दो टीम बना लेते हैं, पहले टीम बना लेते, तो नौ नौ अलग हो जाओ। अब हम आंख बंद करके बैठेंगे, इसको हम कहते हैं सुनना सोचना, जो एक्टर का सबसे बेसिक एलिमेंट होता है कि सुनना और सोचना, उसी के बीच में एक्टिंग होती है। अगर हम किसी को सुनेंगे नहीं तो हम उसके बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इट्स लाइक बेसिक ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो जो जो सहमति दे रहा है उसका एक चेहरा हिलता है, दिस इज व्हाट रिएक्शन इज, और वही हम करते हैं। अगर मैं बोलूँ आपका नाम क्या, अगर हम पत्थर की तरह खड़े रहेंगे तो हम नहीं जवाब दे रहे, हम रिएक्ट नहीं कर रहे, या फिर इंटरनल कुछ है। अपनी ऑनेस्टी से हम लोग आंख बंद करके बैठ जाएंगे, मैं भी बैठ जाता हूँ, मैं आंख बंद नहीं करूँगा, ठीक है? ये आपकी अपनी ऑनेस्टी है, कोई आंख नहीं खोलेगा, मुझे सुनेंगे सिर्फ। सब सेट हो गए? मैं एक एक के पास से निकलूंगा, कोई आंख खुली ना हो किसी की। ऑनेस्टली है, कोई बेईमान और हो नहीं, गेम है, कोई हार जीत नहीं है। अगर साइलेंस है तो इसका मतलब मैं सबको चेक कर रहा हूं, किसी की आंखें खुली तो नहीं। कोई टीचर वाली चीज नहीं है, इसका सब गेम। आप में से मेरे बाद गिनती शुरू करेंगे, सब सुन रहे हैं? यस सर, ठीक है। अगर मैं एक बोलता हूं, एक, तो आप में से कोई एक ही दो बोलेगा। जहां दोनों ने, दो लोगों ने दो बोला या तीन लोगों ने दो बोला, हम दोबारा एक पे आ जाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होगी कि मेरी सब पे नजर है तो मैं देखूंगा कि कौन सबसे ज्यादा फंबल्स कर रहा है या बोल रहा है, ठीक है? तो एक बोलने के जज्बात, दो बोलना है, फिर तीन बोलना है, मैं नहीं बोलूंगा फिर उसके बाद, मैं सिर्फ एक बोलूंगा और सब लोग सुनेंगे, और एक ही आदमी को बोलना है, देखे बिना एक दूसरे को, करेक्ट है? दिस इज फॉर कॉन्सेंट्रेशन, दिस गेम इज फॉर कॉन्सेंट्रेशन, दिस गेम इज फॉर गिविंग योर ब्रेन एक्चुअली टू लिसन समथिंग। ये अपना अपना दिमाग देना इस समय कि हम कुछ सुन पा रहे हैं, ठीक है? और जोर से बोलना है, अपनी नाभि से बोलना है सबको, नाभि से, समझते हैं आप? गले से नहीं बोलेंगे, नाभि से बोलेंगे, चाहे धीरे बोले चाहे जोर से बोले। नाभि से बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप जोर से चिल्लाएंगे, नाभि से बोलने का मतलब ये होता है कि आप उस एक वर्ड को अपने दिल से, अपनी नाभि से। एक्टर का दिल जो होता है, टेक्निकल दिल जो होता है, वो नाभि से होता है, बेस, आप समझ रहे हैं? उसके लिए एक, दो, तीन, दोबारा एक, दो, तीन, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, एक, दो, तीन, चार, पांच, एक, दो, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, टाइम, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, एक, दो, एक, दो, तीन, फोर, फाइव, एक, दो, एक, दो, साइलेंस, आंख बंद रखेंगे सब। आपको दिख रहा है कि हम 20 तक नहीं पहुंच पाए अभी, समझ रहे हैं आप? क्योंकि हमारे पास साइलेंसेस नहीं है, हमारे पास पॉज नहीं है, हमारे पास अपनी लाइफ में, हम अपनी लाइफ में, सॉरी लाइफ के साथ जोड़ो, हम लोग सतर्क नहीं है आसपास। अगर हम, मैं डर नहीं कह रहा हूं, एक ने एक गलती ना हो, मात्र 20 तक गिनने की मेरी रिक्वेस्ट है। हम एक दो बार, तीन बार, चार बार ट्राई करेंगे, गिव टाइम, पॉजेस, एम्प्टी जगह को महसूस करो और उसको भरने की कोशिश करो। इतनी जल्दी जल्दी फंबल होंगे तो मना नहीं आएगा, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है। आंख बंद करके एक बार दोबारा, एक, दो,
तीन फोर फाइव सिक्स सेवन एक टू तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस एक दो तीन चार एक टू थ्री फोर सिक्स सेवन एक टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एक दो तीन फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एक दो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व फोर्टीन एक दो तीन चार पांच छह आठ एक दो तीन चार पांच एक दो तीन एक साइलेंस साइलेंस आके खोलो। एक छोटी सी चीज है हमसे नहीं होगी पर ये नहीं होती, ये नहीं होती। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है जब हम एफर्ट नहीं कर सकते। इसके पास एफर्ट करने की क्षमता बहुत कम है। ये मौका समझता है कि कब डालना है, दूसरे मौके पे तुम स्पेस नहीं ढूंढ पा रहे। तुम्हारा बहुत स्ट्रांग है, तुम बहुत डर के मारे बोल ही दे रहे हो कि गलती ना हो जाए। गलती कुछ नहीं है, फंबल करना ही आर्ट है, फंबल करना ही है। इट्स नॉट अ गेम। दो टीम बनाई है साइकोलॉजी के लिए, इफेक्ट देने के लिए। आप जीतने वाले और हारने वाले नहीं है। एक बार फिर आंख बंद करते हैं, पूरे पॉजेस के साथ, साइलेंसेस के साथ सिर्फ पांच तक गिन बनाए। एंड कोई आंख नहीं खोलेगा, मैं चेक करूंगा आप, कोई नहीं बोलेगा। मैं किसी को चाहता नहीं हूं कि कोई जीते, क्योंकि इसमें कोई हारेगा नहीं, तो जीतना क्या। आईज क्लोज, आई विल से वन, उसके बाद जिसको जिसको मैं टच करूंगा वो खड़ा हो जाएगा। किसी को नहीं पता मैं किसको टच करने वाला। एक दो तीन चार पांच एक दो एक दो एक दो। गाइस साइलेंस, तुम जीत क्यों रहे हो यार? मुझे जीतना नहीं चाहिए, मुझे पांच तक गिनती चाहिए बस। सॉरी, जीत क्यों रहे हो? पॉजेस को क्यों नहीं आप ले रहे हो? मेरे को एक दो महीने के बाद दो चाहिए। एक दो एक दो तीन चार पांच सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइन एक दो तीन एक दो चार पांच छह सात आठ नौ दस इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी एक
दो एक दो तीन चार फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फिफ्टीन एक दो तीन एक दो थ्री बस लास्ट टाइम है ये और 20 गया भाड़ में सिर्फ 10 तक चाहिए। दो बोलने से पहले ये मान लेना कि मुझसे गलती होगी। अब मैं बोलूंगा कि गलती होगी। एक महीने की लगातार वर्कशॉप में हम 5 तक पहुंचते थे, 5 तक, और 150 लोगों ने वर्कशॉप होती थी। तो कोई हारेगा नहीं, जीतेगा नहीं, बस टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं गलत नहीं करूंगा। एक दो तीन चार फाइव सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फिफ्टीन सिक्स एक एंड ओपन आईज। जितने लोग खड़े हैं उनको सिर्फ एक खड़ा करने पर बहुत इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई। दिस इज व्हाट वर्ड इज लाइफ इज। और जब तुम्हारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई तो तुमने कितनी सहजता से बोला है, चाहे 19 पे जाके तुम अटके और तुम्हें लगा कि मैं गलत। हम जब मान के चल रहे हैं कि ये हार जीत की गेम नहीं है तो फिर हम अपने आप को जीरो करके चलेंगे कि कोई ईगो और कोई अना कुछ नहीं है। हम में से किसी ने कोई गलती नहीं की है, कोई पाप नहीं किया। अगर हम देख के बोलेंगे एक दूसरे को तो 20 के 100 तक भी गिनेंगे। तो इंटरनल हमारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इन्होंने एक भी अटेंड नहीं किया, ये सबसे ज्यादा अटेंड कर रहे थे। मैंने बोला था कि बहुत एनर्जी से कर रहे हैं, इनसे एक नहीं हुआ क्योंकि इनको लगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यू विल स्टॉप रिएक्टिंग द डे यू विल गेट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो तुमको देखो मॉनिटर बनने नहीं आया, मॉनिटर खुश हो जाता। मैंने धीरे से सबको टच किया था, जैसे ही उसको किया जो बैठ के नहीं बोल रही थी, खड़े होते ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को प्रूव करने की मिल गई क्योंकि एक लाइन तुमने बोली कि क्यों नहीं बोल रही हो। तो तुमने 4 अटेम्प्ट किए। तो ऐसे धीरे धीरे हम अपनी लाइफ में ओपन होते हैं। कई लोग भरे हुए हैं ऑलरेडी और कई लोग खाली हैं। तो जिनको मौका मिलता है वो उनको लगता है गलती ना हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम एक एक्सरसाइज है, पर इससे ये तो पता चलता है कि हर साधारण चीज भी बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है। अब मैं आपके पीछे खड़ा हो जाऊंगा, मैं किसी एक को बुलाऊंगा और वो अभी नाक बंद करके आज अपने घर से यहां तक आया इसका वर्णन दे। आपने सोचा भी नहीं था कि ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए। कहानी बनाओगे तो पता चल जाएगी, जो रियल हुआ है वो बोल दो। बहुत ही बोरिंग एक्सरसाइज है, पर इसके दो फायदे होंगे। आपने कभी भी ऐसे कुछ बोला नहीं है, सिर्फ वो बोल दो। जिसके पास कुछ नहीं हो वो सिर्फ अल्फाबेट पूरे बोल दे या 1 से 100 तक गिनती लिखते। भाई से मैं शुरू करता हूं और मैं इनको यहां खड़ा कर देता हूं और आप शुरू हो। सुबह मैं अपनी शॉप खोल ली, वहां से फटाफट निकला कि सर आ रहे हैं। बड़ा एक्साइटमेंट था मेरे मन के अंदर। मैं फटाफट नहाया धोया और दुकान से निकला, स्टैंड पे पहुंचा बैंक कॉलोनी। वहां से वर्षा गाड़ी होती है 10 रुपए लेती है, मेट्रो स्टेशन तक वो छोड़ती है। मेट्रो स्टेशन गया, मेट्रो स्टेशन से मेट्रो के अंदर बैठा। बैठने के बाद रोहिणी वेस्ट पे मैं उतरा, उतरने के बाद रिक्शा पकड़ी, 20 रुपए रिक्शा वाले को दिए और क्राफ्टिंग स्कूल के अंदर प्रवेश कर गया। वेरी गुड। अब इनको आपने सुना, किन किन लोगों ने इनको ध्यान से सुना? अब तो बैठो। अब जो इन्होंने बोला है वही तुम बोलो, तुम अपना नहीं बोलोगे, तुम अपना बोलो। हाउ हाउ गुड यू आर इन लिसनिंग, कितना सुनने में हमारी क्षमताएं अच्छी हैं। पहले मैं शॉप पर गया, शॉप खोली, फिर वहां से मेरे को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि सर आएंगे। फिर मैं वहां से चला दुकान से, मैं मेट्रो स्टेशन पर आया, मेट्रो स्टेशन से मैं रोहिणी पर उतरा, वहां पे रिक्शा पकड़ी,
नागपुर आया और 20 रुपए दिए तो क्लास में आया। तकरीबन वहीं पर रहेंगे, यानी एक अटेम्प्ट और कौन करना चाहेगा जो जिसने किया? एक सर पास दुकान को क्या कहते हैं इंग्लिश में? दुकान को क्या कहते हैं इंग्लिश में? तुम आओ, तुम कर, तुम कर। सी इज अबाउट लिसनिंग नाउ मैजिक। सुबह सुबह उठा, जल्दी जल्दी नहाया धोया, शॉप पे गया, मेट्रो वर्षा गाड़ी ली जो कि मेट्रो स्टेशन तक छोड़ती है, 10 रुपये लेती है। फिर रोहिणी वेस्ट पे उतरा, रोहिणी वेस्ट पे उतरने के बाद 20 रुपये दिए रिक्शे वाले को, फिर क्राफ्ट में प्रवेश किया। अब आज इधर आ जाओ, एक बार तो दोबारा बोल दे। अब ध्यान से सुनना, मैं अभी दोबारा आपसे कहूंगा, जो ये बोल रहा है उसका बेसिक पकड़ना। मुझे नक्शा तो पता चल गया कि कैसे क्या होगा, लेकिन बेसिक पकड़ना, मैं बेसिक जान के बोल रहा हूँ। बोल। सुबह उठा, नहाया धोया, दुकान खोली, उसके बाद मैं बैंक कॉलोनी बस स्टैंड तक आया, वर्षा गाड़ी आती है जो 10 रुपये लेती है, मेट्रो स्टेशन पे मुझे छोड़ दिया उसने। उसके बाद रोहिणी वेस्ट पे मैं उतरा, रिक्शा पकड़ी, रिक्शा पकड़ने के बाद 20 रुपये रिक्शा वाले को दिए, नाहरपुर गांव में छोड़ा उन्होंने। उसके बाद क्राफ्ट फिल्म स्कूल के अंदर प्रवेश कर गया। एक मिनट, क्या खोली तुमने? बैठ जाओ, अब तुम दोबारा बताओ क्या बोलो। करें, दिस इज व्हाट आई वांट, गो। यू वांट सी, जब हम सुन रहे हैं तो हम सुन रहे हैं। भाई साहब मैं कश्मीर गया है, कश्मीर से मेरे को कन्याकुमारी निकलना था, अब मैंने बोला इतना ही बोल दो, तो तुम में से किसी ने बोला कि भाई कश्मीर गया, तो इसका मतलब आपने सुना उसको नहीं है, आप जानते हैं कि ये कश्मीर से कश्मीर है। पर क्लैरिटी एक्टर की होनी चाहिए, पर कैरेक्टर की कभी कोई क्लैरिटी नहीं होती। अगर कैरेक्टर को जीना है तो क्लैरिटी नहीं होती, क्लैरिटी न्यूज रीडर भी होती है, मुझे जहां तक लगता है। क्लैरिटी आपको मालूम होना चाहिए कि कश्मीर ही है, पर कश्मीर में एक अपना मजा है, एक अपना कैरेक्टर है, तो उसके साथ भी आपको वाकिफ होना चाहिए। तो आपका शॉप और उसके शॉप में कैरेक्टर का डिफरेंस है। अगर मुझे लिखना होगा तो मुझे मजा इसमें आएगा, मैं इसको चाहूंगा कि तुम शॉप को शॉप बोलो, दुकान मत बोलो। दुकान तुमको समझ आ गया था कि शॉप और शॉप, मैंने जान के इसको अंडरलाइन किया। सी व्हाट आई एम सेइंग कि मैं अभी जब उससे पहले भी जब क्लास ले रहा था तो मैं एक चीज बोल रहा था कि हमारे कॉम्प्लेक्सेस जो हैं हम उनसे मिलते हैं, जैसे साइकोलॉजी की थिंग, हम अपने कॉम्प्लेक्सेस से मिलते हैं, चाहे वो शक्ल सूरत में हो चाहे बोलने में हो, और उनसे मिलने के बाद हमारे को एक आईना दिखता है, जो वजह हमारी एक्टर बनने की है उसके प्रति ऑनेस्टी दिखता है, उसके प्रति ऑनेस्टी दिखती है। और जब हमें पता चलता है कि हाँ यार मेरी वजह जॉन इब्राहिम था या मेरी वजह मार्लन ब्रांडो था, क्या मैं वो हूं या नहीं हूं? सिर्फ फिजिकैलिटी में नहीं हूं, अब क्या मैं एक्टिंग छोड़ दूं? नहीं, तो मैं अपने कॉम्प्लेक्सेस को कैसे उसमें बदलूं कि मैं एक्सेप्ट हूं अपने ही इमेज से, अपने ही आईने में, अपने घर के आईने में, कि नो वॉस यू आर समथिंग एल्स एंड यू विल नॉट डू दिस। तो कॉम्प्लेक्सेस जो है वो तभी दूर हो सकते हैं जब या तो एक दूसरे को हम बहुत ही ग्रुप में, जब हम थिएटर करते हैं तो हम एक दूसरे को संभाल देते हैं, संभालना इसको दिमाग में रख लो, एक दूसरे को संभाल देते हैं। तो संभालने के ऊपर क्या होता था कि हम एक दूसरे को बता देते थे कि ये है, ये है, ये है, ऐसे बोल, वैसे बोल, वैसे बोल, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप भूल गए। सावन का महीना पवन करे वो इनोसेंस थी, सावन का महीना, आई एम अ बैड सिंगर, पवन करे शोर, उसने बोला पवन करे शोर, ना 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 शोर, दैट वाज अ कॉन्फिडेंस। तो वो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था। वो कॉन्फिडेंस तब होता है जब आप फिजिकल लेवल क्या तेल लेने, सॉरी आई एम यूजिंग दिस एग्जांपल, तेल लेने गए पर आपका इंटरनल स्ट्रांग है, तो अब एक्सरसाइज को छोड़ के हम थोड़ा पर्सनलाइज होते हैं। एक कॉम्प्लेक्स, सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स, यहां खड़े होके हम अपना बताएं एज एन एक्टर।
मैं अपने कॉम्प्लेक्स से शुरू करूँ, ठीक है? और कभी अभी बनाओ, पहले से हो, बचपन से हो, वो तुम्हारे को देखना है। 10 वर्ड्स कॉम्प्लेक्सेस जो है उनमें से आप पकड़ में नहीं आना चाहते तो एक आसान कॉम्प्लेक्स बता देना, ठीक है? मेरा एक कॉम्प्लेक्स जो है वो ये है कि मेरी डबल चिन, ये मेरा कॉम्प्लेक्स है, मेरा पेट बाहर। अब इस कॉम्प्लेक्स से मैं लड़का रहूं या दूर हटूं या अपना काम करता रहूं वो मेरी फाइट है, पर मैंने बोल कर निकाल दिया एक नई जनरेशन के आगे तो मैं 3 सेकंड के लिए रिलैक्स। अब मुझे मालूम है कि 50 लोग ये बात को जान गए और मेरा भरोसा है कि वो 50 लोग मात्र 50 मिनट तक याद रखेंगे, उसके बाद मेरा अभिनय यही होता है, हमारे इसके अलावा तो कुछ चीज है नहीं। तो एक एक करके अपना कॉम्प्लेक्स बताते हैं, आसान कॉम्प्लेक्स बताना, बहुत ज्यादा गहरा मत उतरना, डार्क नहीं करेंगे कुछ भी, आसान कॉम्प्लेक्स बताएंगे। अपनी कोई भी कमी ऐसी जो तुम भूल गए, फिर हम 10 मिनट में बोल दो, मतलब इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस आओ कि मैं चुके लिखता हूं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं बहन का गरीब घर में पैदा हुआ हूं, मेरी बॉडी सलमान खान की तरह नहीं है, मैं एक्टर की तरह कर रहा हूं। फिर इसके बाद जो हम 10 मिनट में गेम खेलेंगे वो मजेदार होगा। फटाफट में 1-2-3 दिन में बोल गई कुछ भी। एक तो मेरी नाक बहुत मोटी है। बैठ जाओ। हुआ जा। मैं पढ़ाई में कभी अच्छा नहीं रहा। बैठ जा। मैं बोलने में फंबल कर जाता हूं। बैठ जाओ। मुझे सांपों से डर लगता है। किसे? बैठ जाओ। मैं इंग्लिश अच्छी नहीं बोल पाता हूँ। मैं इंग्लिश अच्छी नहीं बोल पाता हूँ। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है मुझे, मैं बहुत जल्दी इरिटेटेड हो जाता हूँ। बैठ जाओ। मैं थोड़ा पतला हूँ। बैठ जाओ। मैं सबसे बड़ा फेलियर हूँ। बैठ जाओ। तुम तो एक्टर हो ही नहीं, तुम तो डायरेक्टर हो। तुम आओ वहाँ से आओ ही नहीं। मेरी ज़ुबान लटपटाता है वो ऐसी बोलने में। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। मेरी किस्मत खराब है खाली। मैं स्कूल में कभी ठीक नहीं रहा। ठीक मतलब ठीक से क्या, पढ़ाई में? हाँ। बैठ जा। मैं हिंदी में डिफिकल्ट वर्ड नहीं पढ़ता था। बैठ जा। मेरा कोई टारगेट नहीं है। बैठ जा। मुझे मैथ से डर लगता है। मैथ? मैथ। एक और बता, मैथ तो घंटा पड़ेगा। मैं ओवर पोजेसिव हूँ। मेरी लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं है। मेरी लैंग्वेज भाषा। बैठ जाओ। मेरे दो दांत नकली हैं। मैं हफ्ता जाता हूँ। हफ्ता? मुझे लगा कह रहा मैं हफ्ता सर। पहले अपने जीवन में इतनी सिंपलिसिटी और इतने साधारण तरीके से कभी तुमने एक दूसरे को कभी कॉम्प्लेक्स बताया अपने? तुमने कुछ भी बदलाव देखा दुनिया में? कुछ भी बदलाव देखा एक दूसरे के लिए? तुम सब अब एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स से जानते हो। अब यही मंच है, वही लोग हैं। अब एक जिस चीज पर तुम्हारा पूरा यकीन है, और कोई ये नहीं बोलेगा मैं शाहरुख खान बन के दिखाऊंगा, क्योंकि तुम में से कोई शाहरुख खान नहीं बनेगा, उसका बाप बन जाओगे। अब वो जिस पे तुम्हें गर्व है, जिसको जिसको तुम अपना कॉन्फिडेंस मानते हो। सन 1998 से सन 2000 तक मैंने मोबाइल का काम किया सर, हार्डवेयर स्पेशलिस्ट हूं मैं। बढ़िया, मजेदार। यहाँ पे मौजूद सर के सिवाय शायद ही कोई होगा जो मेरी जितना जल्दी उठ सकता हूँ। उठ सकता मतलब सुबह 3:40 में सुबह उठ जाता हूँ। वेरी गुड, वाह, लवली।
तेरे एक बात बताऊं, मुझे पीयूष मिश्रा ने बोला था अगर अर्ली मॉर्निंग उठना आ गया ना तो मैं तो इस शहर को क्या इस दुनिया को फतेह कर लोगे, और उस आदमी ने करके दिखाया। 24 घंटे में 18 घंटे वो नशे में रहता था पर सुबह 4 बजे उठ के अपना योग करता था। सुबह जिस शहर की सुबह देख ली तुमने वो शहर तुम्हारा है। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। क्या होता छोटी नहीं, मैंने बोला कॉन्फिडेंस, ये अगर तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस है तो मैं बहुत बड़े 40 चैप्टर बोलता था ये। इधर मैं पहले क्लास में पहले ना शॉप चलाता था। ये तुम्हारा गर्व है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस है। वेरी गुड, मैं सोचता हूँ मैं एक अच्छी स्टोरी भी लिख सकता हूँ। वेरी गुड, बैठ जाओ। मैं जो भी करना चाहता हूँ वो मेरा माइंडसेट पहले क्लियर रहता है कि मैं ये करना चाहता हूँ। पॉइंट टू पॉइंट, वेरी गुड। मैं शर्माता नहीं हूँ। वेरी गुड। मेरे अंदर एक्टिंग की भूख है। वेरी गुड। मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। वेरी गुड, वाह। मजेदार तेरा सच्ची है, तेरा कॉन्फिडेंस है यार, इसको मान के चल। मैं बेट अच्छा लगा सकता हूं। हां बेट चैलेंज अच्छा लगा सकता हूं। शर्ट सर चैलेंज अभी लगा ले सर। नहीं नहीं मैं क्यों लगा लूं सर, मैंने बेटा बैठ जा। मेरी कैचिंग पावर अच्छी है, मैं कर लेता हूं। कैचिंग पावर अच्छी है, मैं क्या कर लेता हूं, कोई भी बात हो मैं जल्दी दिमाग में आता हूं, मेमोराइज कर लेता हूं। वेरी गुड। मैं कोई भी काम करने से पीछे नहीं हटता हूं। वेरी गुड। मैं मैं जल्दी किसी के में नहीं आता। वेरी गुड। मैंने जब से 12th किया है मैं अपनी इनकम पे। वेरी गुड। मैं फोटोग्राफी अच्छी कर लेता हूँ। वेरी गुड। हमारे बेसिक कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग कॉन्फिडेंस वो हमारे एक दूसरे के सामने हैं, हम इससे ज़्यादा हसीन तरीके से खुल नहीं सकते। जो बात आप कभी ज़िंदगी में शायद ना कहना था, आप एक मंच मिले आप उसको कह सकते। तो आवश्यकता किस चीज़ की हमें कुछ भी कहने के लिए, मंच की और कॉन्फिडेंस। तो मंच तो हमारे पास गया, ठीक है, ये हमारा मंच है और ये हम सब एक दूसरे की ऑडियंस है। तुम बारा क्या नाम है? अमित। अमित, तुम्हारा इनमें से दोस्त कौन है जिसके साथ तुम्हारी बनती बहुत? पंचल और राहुल। कौन कौन? पंचल और राहुल। राहुल दोनों आ जाओ और तुम भी आओ। अब हम इम्प्रोवाइजेशन पे आते हैं, जमकर एक दूसरे के साथ हमारा इंटरेक्शन होता ही रहता है। अच्छा, सब लोग एक दूसरे का नाम जानते हैं? ये भी मजेदार चीज है कि एक दूसरे का नाम हम जानते हैं। तुम्हारी फेवरेट फिल्म कौन सी? ये किस कौन सी? अजय देवगन की, वो जिसमें मोटरसाइकिल बनता है। तू अजय देवगन और ये मोटरसाइकिल। अब तुम बन जाओ वो पहला सीन, इंट्रोडक्शन हम अजय देवगन दे दो। तू भी बन जा, बन जा, बन जा, बन जा, मोटरसाइकिल बन जा और क्या। नो वाले शूट करो, एंट्री दे पूरी। अच्छा, सारे के सारे बैकग्राउंड म्यूजिक बजा दो एक बार।
स्टैंडर्ड पे कैसे खड़ा रहे हो, तेरे दोस्त है कोई टेंशन मत, क्योंकि अभी थोड़े दिन में तू मोटरसाइकिल बनेगा, वो अजय बनना ऐसे ही खड़ा। क्या तेरे को शर्म नहीं आ रही, तू अपने दोस्तों पे खड़ा हुआ बोल रहा है, खड़े रहो। कौन बोल रहा है खड़े रहो? ये दोनों। चलो उतर जाओ नीचे। ये मोटरसाइकिल कैसे बोल रहे हो? अब तुम्हारे को तुम्हारी माँ की कसम, दोनों को ठीक है, इससे 50,000 रुपए उधार लोगे थे और इसको वापस नहीं करे। शेक्सपियर को कोई जानता है? यस, थोड़े बहुत लोग जानते होंगे। भाई तेरे मेरे सवाल जवाब होंगे, तू बहुत तगड़ा हीरो समझता है अपने आप को, पर तेरे मेरे सवाल जवाब होंगे बुरा मन मानेंगे। समझ तेरा गुस्सा बहुत तेज है, तेरा गुस्सा बहुत तेज है ना, मैं तेरे से कुछ पूछ रहा हूँ। नहीं जो पूछ रहा हूँ बहुत साधारण सवाल है कि तू बॉम्बे में है, मान ले बॉम्बे में हीरो बनने का हक है तेरा, हक है इसका हीरो बनने का? इसका मन है हीरो बनने का? आपकी परमिशन से मैं इससे एक बहुत वियर्ड सवाल पूछ रहा हूँ, तेरे बाबा क्या करते हैं? प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, प्लास्टिक के डाइज वगैरह लगा के सामान बनता है वो मशीन बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, किस 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 नाम से? बहुत करीब है अपने डैड के? मोस्टली, क्योंकि मेरा भाई भी है, वो भी है। उनको कोई टच करते हो तो दिल्ली का लौंडा है जो ऐसी ऐसी कर सकता है, अपने शरीर से ज्यादा से भी कर सकता है। सॉरी भाई बुरा मन मानियो, पर तेरे से एक बहुत वियर्ड सवाल पूछ रहा हूँ। एक्टिंग की इमेजिनेशन में भगवान करे सब कुछ ठीक रहे, अच्छा रहे, मजेदार रहे। समझ तेरे को बॉम्बे में खबर मिलती है कि तेरे बाबा नहीं रहे और तू शूटिंग के सेट क्यों हुआ? यार तू बात ऐसे मत बोलो, ऐसे मैं तेरे बात बोल रहा हूँ, तू सुन इसको, जवाब दे। तो तू क्या करेगा? शूटिंग खत्म होगी, बैकअप हो गया, क्या करेगा? क्या करेगा? साइड पे जाके रोऊंगा बहुत ज्यादा, फिर कॉल करूंगा, भागूंगा। भागेगा कहाँ? भागेगा सर घर पे, तो भागूंगा। किसके क्या कर दी गई ट्रेन बस क्या सर? फ्लाइट 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 लेगा, फ्लाइट लेगा। तू फ्लाइट 15 मिनट का रास्ता है तेरे वहां से फ्लाइट का, तू क्या लेगा? ऑटो लेगा, बस लेगा? कैब बुक कराऊंगा। कैब बुक कराएगा? ऑटो जल्दी मिलता है, ऑटो लेगा। सामान तो पैक नहीं करेगा, ऑटो लेगा, भागेगा? भागेगा। ऑटो में जा रहा है और तेरे को पता चला रास्ते में तेरी सिस्टर या तेरे भाई ने कॉल किया कि उनका मर्डर हुआ, तेरे अंदर क्या हुआ? टैक्सी लेके तू घर पहुंचेगा, घर पे तू क्या देखेगा एक माता में? माता में इस इमेजिनेशन बॉस वी हैव टू we have to understand that this is what life is and world is and this is how we perform and this is what is actually happening in our lives. Am I wrong? ये हो रहा है हमारे साथ ना, खबर ऐसी आती है किसी को तो दी होगी। अब वहां पर देखा माता में माता में माता में माता में माता में माता में और तू अपनी बहन से गले मिलकर रोता है और तेरी बहन तेरे कान में बोलती है, तूने उससे पूछा कि किसने मर्डर किया है, तो वो बोलती है कि साथ वाले गोयल अंकल, और गोयल अंकल जो है अभी है नहीं, तू उनके घर के बाहर जाके गालियां देगा या क्या करेगा? ढूंढने की कोशिश करेगा? मारने जाएगा। तुझे एक महीने तक नहीं मिला, इसे एक महीने तक इसके मालूम होने के बाद भी इसके फादर का मर्डरर कातिल नहीं मिला। अब अचानक तेरी मम्मी तेरे को बोलती है कि उनसे अकेले रहा नहीं जा रहा, वो शादी करना चाहती है। होता है ना ये जीवन में, होता है ऐसा? बोल सकती है ना मम्मी?
कैरेक्टर दो, उनका कैरेक्टर रहे, तो अपनी जिम्मेदारी है। और वो कहती है कि मुझे जिनसे शादी करनी है वो मिस्टर बॉय है, क्या करेगा? टफ थिंग टू अंडरस्टैंड, टफ थिंग टू रिप्लाई, क्या करेगा? एक दो तीन चार पांच, पूछो क्या करेगा? टू बी और नॉट टू बी, दिस इज व्हाट हैमलेट इज, दिस इज व्हाट हैमलेट इज। तो जिस नाटक को हम पढ़ते हैं और समझते हैं, स्कूल में समझते हैं, उसका सार जब हम महसूस करेंगे तो हमारे को उसके अंदर की पेन, पेन, एंगर एंड सब मिलेगा। टू बी और नॉट टू बी क्वेश्चन दैट नाइट, ये उसकी मनोदशा हैमलेट की। हम 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म नहीं बना रहे, हमें मात्र 5 मिनट की एक ऐसी ब्रेव अटेम्प्ट चाहिए कि हम हैमलेट बन पाए। कुछ नहीं होगा, सब सही है, इमोशनल नहीं ना, वैसा देख पा है मुझे लगता है कि अगर हम और ब्रेव एफर्ट से जाते तो, क्योंकि मुझे तूने वो दिया नहीं, मुझे लग रहा था कि मैं तुझसे वो ले लूं, लेकिन तेरा क्रोध और तेरा साइलेंस बहुत जेन्युइन है। एक तरफ तू मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, ये सारे आया ये समझाने के लिए, इसको कुछ बोल नहीं रहा, वरना कोई और ऐसा उदाहरण देता मारता दूसरा, यही होता ना जीवन, उसको ही इंकैश करा के वहां तक लेके जाया जाएगा। व्हाट आई एम सेइंग, अगर गुस्सा आता है और सामाजिक तौर पे कंट्रोल करना आता है तो वो तुम्हारे अभिनय में अपने आप निकल के आता है। जो हमारे अंदर है हम वही अभिनय करते हैं और कुछ नहीं कर सकते। यू गॉट दिस थिंग, द वे यू कंट्रोल हैदर आल्सो कंट्रोल, नो? जैसे उसको पता चला था उसने मार फोड़ना दिया था तब्बू को, या मार फोड़ना दिया था केके को, मैं ऐसी हैदर की लैंग्वेज में बोल रहा हूं, है ना? तो ऐसा ही सब कुछ है। अब एक और चीज करते हैं, आप पहले तो तू मोटरसाइकिल बन दो, तू बनो मोटरसाइकिल, वो आएगा ऊपर खड़ा जी जी, मैं इसको बनना चाहिए ना, उनको पता ना लगे तू खड़ा है, मोटरसाइकिल नहीं है वो, दोस्त है, दोस्त है। एक छोटी सी इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, तो कहाँ मेरा यार, कहाँ गया वो मेरा यार इंग्लिश वाला, नहीं बोल पाया तू था ना, मैं और ये गलत इंग्लिश में बात करेंगे, कोई भी वर्ड हो कोशिश करियो कम से कम हिंदी के वर्ड इस्तेमाल, बॉडी हो तेरी इंग्लिश हो, तेरी लैंग्वेज इंग्लिश हो, जो तेरा कॉम्प्लेक्स था उस पर काम करेंगे ना। और कौन सी फिल्म का सीन अच्छा लगता है, दीवार, या कौन सा फिल्म, कौन सी फिल्म अच्छी लगती है? कयामत का कोई सीन नहीं है, लेकिन ऐसा जो तुझे याद हो, बुरा मत मानना, सीन किस कौन सा याद है? शाहरुख खान दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आ जाओ काम, कुछ भी बोल, कुछ भी, ये काजोल है सबकी, काजोल यही है भैया, एक ही लड़की है, बड़ा दुख है इस बात का, सबकी काजोल यही है, जितने शाहरुख खान है सुन लो यही काजोल है। अब तेरे को इंग्लिश में, इंग्लिश में तुझे कब कुछ भी कम्युनिकेट करना है इसको इंग्लिश में, लेकिन शाहरुख खान की मिमिक्री करता था, कुछ नहीं करता था, नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, तू आकाश ना, रवि, रवि तू सिर्फ अंग्रेजी में ही इससे बात करेगा,
अगर अंग्रेजी में नहीं होगा तो तू बोलती हो कि नहीं हो रहा, तो कोई और इससे इंग्लिश में बात करेगा, फिर तू उसको दे देगा। सब इंग्लिश में ही बात करेंगे इससे जितने भी, और जिसका आपको अच्छा लगे डायरेक्टर है आप उसका ऑडिशन देकर रख लेना, फिर हम शॉर्टलिस्ट करेंगे कौन आपकी फिल्म में लीड रोल करेगा। ठीक है सर, आ जाओ इधर आ जाओ, आप देखो कि मैं तो कोऑर्डिनेटर हूँ, मतलब फटे मारने हैं, मैं जो चांद ले आता हूँ तेरे लिए, तारे ले आता हूँ, आइसक्रीम ले आता हूँ, समोसे की स्पिन दे देता हूँ तेरे को, मैं समोसे खिलाऊंगा, हाँ सारे समोसे मैं खिलाऊंगा तेरे को, ये करूंगा तेरे लिए, जान दे दूंगा, तू बोले कि लंबा लेटा रहूंगा, ट्रक ऊपर से निकल जाएगा, कुछ भी कर दूंगा तेरे लिए, इसको हु करना। ठीक है भाई, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ वैसे ही तू वैसे ही, एक बार बैकग्राउंड म्यूजिक इसके लिए। बढ़िया, उतर जा, हम तेरी बारी है मोटरसाइकिल बनने की, बाद है थोड़ी देर पड़ेगी, और जहां तू टूट रहा हो तो लोग कि भैया मेरे से नहीं होगा, और फटाक से कोई भी आ जाए तो इसकी वजह से अपनी स्क्रिप्ट तैयार रखना। ठीक है, अपनी अपनी स्क्रिप्ट तैयार रखना, गैप ज्यादा भर जाएगा तो ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ठीक है, और तू खड़ी मत रह, तेरा भी जो मन कर दियो, तू बातों में नहीं आती ना किसी की, ये एक्सरसाइज अगर खड़ी रहेगी तो मुझे दुख होगा कि हमारी ना घर पे बोलती है लड़की, ना मंच में बोलती है, कहीं बोलती नहीं है लड़कियां, बोलती है मतलब मेरी भी तो बहुत बोलती है। एक सेकंड, मैं इसका फोन निकाल लेता हूं। अनिका उस वीडियो का भी बनेगा, चलो सर, चलो शूट। पहले मतलब पहले से जानते हैं ना? हाँ, जो दो हमको कुछ मालूम नहीं है भाई। वो आई है, तुमने उसको रोका है, तू चल के दिखा दे, वॉक करके दिखा दे, तेरे को रोक लेता है, बात करने का है कि आपसे बात करनी है, जो करता है रियल लाइफ में भी तो करता ही होगा ना। हाँ I want to do something. I want to do something. How are you? When you see? Very good, very good. मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि गलत अंग्रेजी जैसी भाषा जो इतना दबाव देती है दिमाग पे, उसको गलत बोलो तो ज्यादा हंसी आती है, गलत बोलो तो ज्यादा हंसी आती है, बोल दो गलत तो और सच्चाई दिखती है, समझो इसका मतलब, समझो। When I see you, I love with. No, sorry me, sorry बोले तो बाहर हूँ। Okay sir. बात बढ़ा ले जितना बढ़ाना है, ये तेरे से शादी करेगी एक महीने। बढ़ाओ। हाँ, करेगी नहीं गुप्ता जी बाहर। चलो, बढ़ाओ। When I see you, I love to you. I love to me. Yeah, cousin, yeah. Kazal, yeah? Kazal? Please, speak to you. Me. Kazal, speak. Kajal, bol raha hai. Kajal.
बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजेदार। मैं पॉइंट दूंगा पॉइंट। आ जाओ यार, कौन भर रहा है? सबकी जान निकल रही है, मेरा चीता आया। हल्का जान सी, यू नो आई फटाफट लव यू दिल से, आई सीरियसली लव यू, बट आई ओनली वॉन्ट टू से दैट डू कल्याणम, यू नो शाहरुख खान, आई एम बिग दिल तोड़ फैन ऑफ यू, आई रियली लव यू, इफ यू हैव फाइव फिंगर्स देन गिव मी दैट मिडल बजर वाली फिंगर, आई विल मेक राउंड रिंग एंड आई विल नॉट प्ले अ पूल, आई विल पुट इन योर फिंगर्स दैट रिंग एंड आई विल डाई। जल्दी वो बताएगी कौन बढ़िया था, जल्दी जल्दी, कोई नहीं आ रहा यार, कोई नहीं आ रहा भाई, नहीं नहीं अभी कोई नहीं आ रहा, क्या मतलब, कम ऑन, मैं डर पर, हाँ यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आई लव यू, आई लाइक यू, डोंट लाइक प्लीज जगह खाली मत करो यार, जगह खाली मत करो, किसी ने कुछ नहीं दिया, जगह खाली मत करो, आ जा जगह जगह मत खाली करो, तू तो बयान जाओ, ऐसी तैसी कर देगा तो वैसे ही सेट हो जाएगी। चल, When I see you, I thought you are the first love of me and I really want to talk to you but I couldn't. Very good. मैं पढ़ जाऊंगा, मुझे मत दे कैसे दर्द कर जाऊंगा। Focus कहाँ है? Focus कहाँ है? And I really want to ask you, would you stay with me throughout the life? Or बोलो हाँ ना। Asking. Why should I? Because I love you. next, come on, very good. Ah, क्या मजेदार चीज़ है। Next, कोई नहीं आ रहा यार, दो बार तू शॉट को ऊपर कर रखा है, दो बार इसने ऐसे ऐसे किया, मैं इसी को बार बार बोल रहा हूँ, आ जा मेरे जान, come on. Last day when I see you in white साड़ी, red बिंदी, you look total ambulance. My God, what ambulance! I seriously want to say I love you. You want to love an ambulance? Yeah. Ambulance. चल, good. प्यारिया, very good. क्या किसी प्यारिया की चीजें निकल रही हैं, बताओ यार. Ambulance. Next. खाली क्यों हैं? Next. I saw you today, but I just don't know how to say you that. I felt something like. You have any money from me? You got any money from me? No. Because it's like increasing interest with you. Like, I just. You are a bank? It's increasing interest in you. I don't know how. But. Today you are looking so beautiful, so In my heart, do something. You love me so, I said, I will drink. But you love me so, I will drink moon and star for you. Drink? Moon and star? Come at night. I'll drink. भैया अपनी सिर्फ अपने बारे को, दूसरी हेल्प मत करो। साले पहले कुछ ऐसे देंगे जो आज की में भी हेल्प कर रहे हैं। You guys like Buffalo? last three, exercise change होगी, last three. You are looking like a fire. Oh my God, that's super. Next three. चल बैठ जा. Next. मजेदार. Hi Kavlot, I want to go to with you in Mumbai and walk
on Juhu Beach and eating golgappe wale wo gol gol pani puri pani puri and drinking water hare wala aur lal wala then now my English is over. next jaldi quickly yaar, I am expecting something interesting from this boy. Abhi se ye apna ye phone wale baar abhi se jaldi जल्दी मेरे भाई. हाय काजल, हाउ आर यू? फाइन. व्हेन आई सी यू सुपर्ब. व्हाट? यू सुपर्ब. आई मीन आई जस्ट थॉट आई फॉल इन लव, सो आई थॉट नाइट. चप्पल नहीं पहनी है तुमने, बताओ इसको बाहर पड़ी. सो ओवर पे बात थी, जो ओवर बोल रहा. बढ़िया, एक और आ जाए यार, एक मजेदार आ जाए. आओ भाई आ जाओ. पूछो ना, 200 रुपए कॉफी के लिए. तो है. अच्छा चलो बैठ जाओ. अब मैं तुम्हारी सारा एक चीज देखा, तुम में से किसी ने इसका नाम नहीं पूछा. पर कितनी इनोसेंस है तुम में से कोई भी, हर वो लड़का. एंड यार इसको इनकैश कराना, क्योंकि सारे लड़के तुम लोग इतने इंट्रोवर्ट हो कि तुमने सही मायने में सही जिंदगी में भी लड़कियों को चाहा तो है, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी उनसे बात नहीं हुई है. और ये इतना कमाल का खेल होगा एक्टिंग के अंदर, इतना कमाल का निकलेगा कि जितने इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रहण करते हैं और बर्दाश्त भी करते हैं, और वो बहुत खूबसूरती से अभिनय में उस चीज़ को निकाल भी सकते हैं, बहुत खूबसूरती से अभिनय में निकाल भी सकते हैं. तो एक मज़ेदार, एक हमारी ये फिल्मी थोड़ी वर्कशॉप थी ना, फिल्मी मतलब एक एक्सरसाइज थी. सॉरी, चाय पीने में क्या गया. अब एक एक्सरसाइज करेंगे हम फिजिकली थोड़ी सी, जिसमें आप अपने मन के गाने को अंदर बजाओगे, ठीक है, और बाहर से आप डांस करोगे. म्यूजिक कोई नहीं सुनेगा, सिर्फ आपको डांस करते हुए देखेंगे. ठीक है भाई? ठीक है गुरु. बॉडी खुलेगी, सारे ऐसे हैं अंदर से, सारे अंदर से ऐसे हैं. और टेक इट आउट अ कमा. Now I will request you कि ठीक, मेरा जो है कमांड की तरह ले लो थोड़ा सा. तो मैं पहले उसी से शुरू करता हूँ. मन में गाना है, जैसे मैं इसे कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ, लकी लकी अपना गाना गा रहा हूँ. मैं मन में गा रहा हूँ. ये ठीक से कर लेगा, रोज आके यही करता है सबसे. ये तू कर ले. और अच्छा, एक मिनट तक, हाँ मतलब एक मिनट तक नहीं तो कम से कम 30 सेकेंड तक. प्लीज कीप द रिकॉर्ड यार, 30 सेकेंड कम से कम करना चाहिए, घड़ी नहीं. आके अब गाना मेरे को सुनाई नहीं देना चाहिए, और मैं ये भी नहीं पूछ रहा कि कौन सा गाना है, पर जस्ट करो. चलो भाई एक्शन में भी जान. और कौन आएगा? या मैं ढूंढता हूँ, रुकियो. तू आ. तो नाखूनों के अंदर ही घुस गया, बिल्कुल ही घुस गया नाखूनों के अंदर. क्या है भगवान मुझसे ना करवा ले कोई. मैं नहीं कर रहा. चल गाना अपना सुना, हमें गाना नहीं सुनना. डांस नहीं आता सर. मुझे पता चल तो सुनना.
डांस आता है? डांस तो बेटा तुम्हें ही आता है, ऋतिक रोशन को डांस नहीं आता, डांस तुम्हें ही आता है। करना तो देख, आज तेरे पास एक ग्राम मौका है कि अपनी इस सदियों से पुरानी शाइनेस को दूर कर दे। तुझे डांस नहीं आता है ना, तो तुझे कोई ऋतिक रोशन का रोल नहीं देगा, और तुझे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डांस सभी को भी नहीं आता, ओमपुरी को भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। पर शाइनेस इन सबके पास नहीं है, एक शाइनेस होती है ऑब्जर्वर की, इंट्रोवर्ट की। एक शाइनेस होती है कि आप, मैं बताया कि रियल लाइफ में जैक निकल्सन से ज्यादा शाही कोई एक्टर है ही नहीं। आमिर खान इज अ वेरी शाही, इतना शर्मिला आदमी है वो। अक्षय खन्ना बहुत शर्मिला है, मैं जान के बॉलीवुड के उदाहरण दे रहा हूँ एक, क्योंकि जैक निकल्सन अपना बॉलीवुड का हो चुका है, सब देखते हैं उसे, है ना, सब लोग इतने इंटरेस्टिंग चीज है। बस ये डांस इसने भी नहीं, तेरी प्रतिभा देख ली, ये कर गया, ये कौन सा ऋतिक रोशन का रोल ले लेगा, ये भी नहीं लेगा, पर ये अपना ही रोल लेगा। अभी क्या है, एक ही ग्राम जो है ना दिख रही है, देख मैं तो देख रहा हूँ कि मुझे दिख रही है। अब तेरी बॉडी थी, तू सच में अगर दूसरा कमरा होता तो तू भाग जाता, सच बता रहा हूँ, तू नाखून के पीछे छूट गया। शक्ल देख लेता हूँ, दिख गया, तो इसलिए तेरे को बुलाया गया कि तू एक देख, ज्यादा टाइम चाहिए, अगले 10 गिनने तक तू कर ले, नहीं तो बैठा रहे अपनी शाइनेस के साथ, फिर मैं आधे घंटे बाद दोबारा तेरे को कर लेंगे, हैं? कर लेगा, चल बढ़िया, चलो। अब दोनों आ जाओ, तू भी आ जाओ। नाचते नाचते गाना नहीं होना चाहिए, तेरा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, और तेरा भी जैसे ये रुके तो भी नाचते नाचते अपना इंट्रोडक्शन दे। वियर्ड चीज है वो भी नहीं है एक्टिंग तो मैं लाइन दे तुम मैं जो भूल के एहसान करोगे वैनिटी मैन अलग है ना, करो जैसे तूने वो डांस किया था, ऐसे ऐसे कुछ करके किया था ना, उसी में इंट्रोडक्शन देगा, मेरा नाम ये है जैक, कुछ चल। मेरा नाम उत्सव कुमार राय है, मैं सेवरिया से हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, इज इट नॉट इंटरेस्टिंग? चलो, मैं बिहार से हूँ, मेरा लैंग्वेज भोजपुरी है, और मैं यहाँ पे एक्टिंग सीखने आया हूँ। आई आई थोड़ा सा थोड़ा सा। मैं यहाँ पे लोगों से बहुत फ्रेंडली रहता हूँ, और गुड 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 बैठ जा बैठ जा, तू तू आ। मेरा नाम अमित दलाल है, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से जलंधर डिस्ट्रिक्ट से, मैं एमएससी फाइनल ईयर में हूँ, यहाँ पर एक्टिंग सीखने आया हूँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट, मैं बताऊँ कौन आई तू नो ये कोच गोजर, तुझे फाट करना में बाकी डाल दो, फाट फाड़ना है तुझे, हाँ तेरा यही है कि तुझे फाट करना है, वेरी अनकूर्त एक्सरसाइज, आदमी की शक्ल भी आवाज मुंह से निकाल ले और फाट करना तो है। अब वो सिचुएशन क्या है कि काजोल सामने बैठी है, काजोल तू सामने आ रहा, काजोल सामने है और फाट भी कंट्रोल भी हो रही है, एंड फाइनली निकल गए, समझ रहा है? तो क्या सिचुएशन बनती है, देखते कैसे हैंडल करते हो ना, पता नहीं ना, हमने को थोड़ा ना पता है क्या होगा। क्योंकि उससे पहले तू हैमलेटियन मूड में चला गया था, मैंने कहा अभी से पार्ट करना था, मजा आ गया, और बड़े प्यार से बात हो रही है। अरे वो हाँ क्या, आपने हाथ मत छोड़ दिया, और ये जो भी पूछ रही है, जैसे ही इसने पूछना शुरू किया
तेरे को लगा कि अमी बनी अभी आया और तू कंट्रोल कर रहा। कैरिकेचर भी एक फॉर्म मान लो। कैरिकेचर एक्टिंग के अंदर थोड़ा सा कि ये बड़ा कैरिकेचरिश है, इट्स नॉट, कि वो भी एक अभिनय का ही हिस्सा है। उसको आप कहां तक ले जा सकते हो, कैसे ले जा सकते हो, करो। हाथ पकड़ ले, हेलो कर ले। कहाँ सुबह से? बस यहीं भाई था, तुम आए नहीं। तुम्हारा वेट कर रही थी, आधा घंटा वेट करा मैंने। अच्छा, कैसे? कहाँ पे? भाई क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस ठीक हूँ। क्यों? नहीं, तू कुछ गड़बड़ी लग रही है। नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हाँ तू बता, कहाँ लग रही रहा? कुछ तो है, कुछ है। छोड़ तू, क्या करेगी तू? तू छोड़, तू मैं सुन रहा है। अच्छा कर गए चले? अभी मैं जरा होके आऊं, दो मिनट आया जी। क्या गड़बड़ी है? बस नहीं बता सकता। इसको जाने मत दियो। नहीं नहीं, यही बताना, यही। नहीं तू समझ ना। नहीं मैं समझूंगी, बता थोड़ा। हाँ यही थोड़ा। यार बस अभी आया मैं। नहीं यहीं पे। यहीं पे क्या करूं मैं? यहाँ वहां जाके करेगा, यहीं करना। नहीं वहां पे माहौल बना लेंगे। तू भी हंस पड़ा सर। तो सेल्फ यार, तेरा तो सेल्फ था ना। मैंने कहा था कि तेरा तो सेल्फ है, तू ही हंस पड़ा यार। दोबारा कर। अब हाथ छोड़ दिया, हंसने लग गई थी। मेरे हाथ छोड़ दिया, हंसने लग गई थी। नहीं जा रहा। सी, नेवर बिकम योर ऑडियंस। ऑडियंस है तेरी, तू खुद को ऑडियंस मत बना। नहीं तो फिर एक्टिंग क्या होता है, कभी कभी बहुत ह्यूमरस लाइंस होती है ना, तो उसमें हंसी आने लगती है। ये अभय के साथ बहुत हो रहा था। एक सीन के अंदर ना बहुत सीरियस सीन था, मैं पता नहीं तुम्हें याद हो कि नहीं। अभय तो अभी को गुस्सा आता है, तो मैं उसको क्या 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 कर रहा है यार, तो लकी यार क्या कर रहा है यार, पागलबंदी मत कर यार, आगे यार हंडा सा गुस्से में आए हुए यार, उनके कोफ्ते हार्ड हो गए थे। जब वो रेस्टोरेंट को खा जाते हैं वो कोफ्ते हार्ड हो गए, ठीक है, तो उसको हंसी आ जाती थी। मैं बोलता ही रहता था, अब वो एक टेक हो गया, दो टेक हो गया, सबको हंसी आ गई। पर तीसरी टेक के बाद शूटिंग का टाइम जा रहा होता है तो आती थी, लेकिन फिर फाइनली जो है कुछ ऐसा किया गया कि ये वाला शॉट ना लेके ये वाला ले लिया, तो वो मेरे पर ही है। जाने दे यार, लकी क्या कर रहा है, लकी पागल बंदी यार, आगे यार हांडा साहब बड़े गुस्से में यार, उनके कोफ्ते हड़ गए यार। तो अभी जैसे आ रही वो आ जाती है, तो उसके ऊपर हम तब आती है जब हम कैरेक्टर से बाहर होते हैं और खुद को देख रहे हैं। हर ह्यूमरस, हर फन के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोसेस का एक हिस्सा छुपा है। तो नेवर वॉच इट, कैन यू हावर वेरी सच इजी थिंग। तू इसके सामने गाली दे सकता है? हाँ। तो फिर फार्ट का एक बार इमेजिन करना कि फार्ट तो नहीं कर सकता, वो तो होता है ना, लड़की के आगे फाड़ करना इज लाइक समथिंग। जिस दिन तू फाड़ कर लेगा, जैसे हम पीयूष भाई हैं रिहर्सल कर रहे हैं, तुम्हें तो हंसी आ रही है, हमें हंसी भी नहीं आती। डिफरेंट स्कूल था ना, हमें अब हमें हंसी भी नहीं आ रही है, इट्स पार्ट ऑफ थिंग। तो वी हैव टू रीच देयर। रूल्स तोड़ने की चीज होती है ये, आपकी अपनी प्रोसेस में आ जाए रूल्स तोड़ने की चीज। रूल्स ही तो हैं जिनको तोड़ा जा सकता है, उसके आगे कुछ हो सकते हैं। तो दोबारा कोशिश करेगा या कोई और करे? कोशिश कर एक बार, कर तू सीख, देख तू सीख क्या होता है। और कहाँ जा रहा था? अभी तो आया हूँ यार। कहाँ जा रहा हूँ अभी? जा कर रहा हूँ वो आ रहा हूँ बस, वो यहीं पर ही गया जा रहा था, वो दोस्त आया वहां पे। नहीं उससे छोड़ना, मेरे से बात कर ले, मिलता है इतने दिनों बाद है। इतने दिनों बाद मिलता हूँ, एक दिन और सही मिल के आधे घंटे में आता हूँ। कौन सा, उसे यहीं बुला ले, यहीं बुला ले, तीनों मिलते हैं। वो बेचारा पाही जाए, वो यहीं पर ही है, वो नहीं आ सकता। वो पाही जाए, वो घुटनों पे आएगा, दो घंटे लगाएगा, नहीं आ पाएगा। छोड़ना नहीं ना, तुम नहीं छोड़ सकता, वो निकल जाएगा। छोड़ क्या निकलेगा, निकल जाएगा वो बेचारा। अच्छा पॉज, जैसे वहीं पे पॉज। अब मैं जो बोल रहा हूं अपनी बॉडी से सुन लेना, पॉज हो अभी तुम, हाँ यहीं से कैरी करना, पॉज है, ठीक है। अभी मैं एक साउंड दे दूंगा, ठीक है, साउंड दे दूंगा, और इसके इसके चेहरे पर रखना कैमरा,
ठीक है, इसके चेहरे पर डायरेक्टर्स दो हैं, यहाँ ध्यान देना कि इसके चेहरे पर इंसल्ट, ह्यूमिलेशन और ह्यूमर सब कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, अब तुम कैरी करो, मैं जब दे दूं फाट की आवाज, तेरे को हंसना नहीं है, तेरे को कसम होगी अपने करियर की, फेल हो जाएगा मैं जो सातवीं में दोबारा फेल नहीं हुई, देख मतलब ये देख ले कि ये लड़की है जिसको तू दिल की बात भी नहीं बोल पाया, वो तू तड़ाक से बात कर रही है, ठीक है, और ये लड़की वो है जिसको तू अपनी दिल की बात बोलना चाहता है और उसके आगे तुझे फाट आ गया, कंट्रोल भी कर रहा है, वो भी यारी दोस्ती में कंट्रोल कर रही है, नहीं नहीं तू जा रहा है, तू जा रहा है, वो इनोसेंट है कि नहीं तू मेरे से नहीं मिलता, ये वो फलाना निमकाना, और एक साउंड आएगी और वो साउंड तेरे लिए होगी, और तू ऐसे तेरे को लगना चाहिए कि ऐसा दोस्त कैसे हो सकता है मेरा, इस पे कैमरा है, मेरे मेरी आंखें तेरे पे, समझ, अपने पास कैमरे की कमी है इसलिए कैमरा मेरा है, और तेरे को ऐसे लगना चाहिए यू हैव टू ह्यूम मतलब डिस्कस्ट ऐसा कुछ, और तेरे चेहरे पे आना चाहिए कि अरे निकल ही गया ह्यूमिलेशन, मतलब इट्स इट शुड बी अ पेनफुल सीन, इट्स नॉट अ कॉमिकल सीन एट ऑल, प्लीज अपनी लाइफ में जाओ यार, देखो तो सही, किसी लड़की से बात कर रहे हो करते 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 कुछ हुआ, आई नो इट्स वेरी फनी बट दिस इज वॉट लाइन इज, नो हम एज एन ऑडियंस देखेंगे तो हमें हंसी आएगी, पर जो वो है, जो ये है, जो तू है, मतलब मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताऊंगा पढ़ने के लिए बोलूंगा, एक फाट ने एक रिश्ता खत्म कर दिया, मैं बता रहा हूं ये बात सच्चाई है, इट्स अ शॉर्ट स्टोरी, हरिशंकर परसाई की कहानी है, छोटी सी कहानी है, पढ़ना जरूर, चलो यार एकदम वहीं से शुरू करो एक्शन। हाँ और बता, बस ठीक हूँ मैं, आया बस दो मिनट, हिल क्यों रहा है, दो मिनट तो रह थोड़ी देर, नहीं ना इतना शिवर मत हो, दो मिनट जाने देना, नहीं ना वो निकल जाएगा, क्या निकलेगा, बस निकल ही गया, तो निकालना, बस रुकना जरा सा, कहा था ना निकल जाएगा, That's good. You're close to that thing. But still you have to understand, dude, that when we are playing a character, we are not playing ourselves. Basic वो था. तो क्या problems है मैं बता देता हूँ कि हमें पता है कि मैं हम audience हैं. हमें पता है कि हम ही audience हैं. हमें पता है कि हमारी audience हमारे दोस्त. तो जब मैंने character में हल्का सा pain और एक angst डाल दिया तो उसमें कुछ और भी हो सकता, बड़ी साधारण सी चीज थी, ठीक है, कि सब इंटरनल कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल कुछ नहीं कर रहे, फन है, हम इंटरनल कर रहे हैं सब, वो हमारा नहीं एक्सटर्नल सिचुएशन है, इम्प्रोवाइजेशन से, इम्प्रोवाइजेशन से क्राफ्ट थोड़ा इंप्रूव होता है, इम्प्रोवाइजेशन की नहीं जाती, यानी कि कैमरे के आगे आप टेक्निकली सबने मार्क किया हुआ है, इधर से इधर आएगा कोई और आपने इम्प्रोवाइज किया, इम्प्रोवाइजेशन कोई आर्ट फॉर्म नहीं है, इम्प्रोवाइजेशन कोई कोई वो सिचुएशन को संभालने के लिए नहीं होती है, होती होगी थिएटर में बहुत इम्प्रोवाइजेशन चलती हैं, लेकिन कैमरा जहाँ टेक्निकली सब कुछ होना होता है, समझे, तो आप बहुत सटल तरीके से कुछ ऐड ऑन कर दो जो इम्प्रोवाइज नहीं होता, लेकिन आप क्राफ्ट अपना बहुत खूबसूरत बना सकते हैं इम्प्रोवाइजेशन से, आप नई चीज़ों से आपकी मुलाकात हो सकती है, आपके कैरेक्टर्स बदल सकते हैं। मैं बहुत वियर्ड चीज़ होता हूँ, अजीब सी एक चीज़ शेयर करता हूँ, मैं बहुत शाइनर सी एक एक्टर के अंदर हमारे ग्रुप में, अब वो लड़का जो है आज अशरफुल हक उसका नाम है, जो इस दुनिया में नहीं, ब्लैक फ्राइडे में था, बहुत ही खूबसूरत नवाज का बाप जो इसमें बना था अभी मांझी में, वेरी गुड एक्टर, आज उसका जन्मदिन है, वो एक बार मुझे किस्सा सुना रहा था गोरेगांव में वनराई में हम लोग बैठे हुए थे, उसने कहा भाई साहब वो उसकी बात हमारे हो ना बहुत साल के बाद समझ आई दादा, एक कुछ किस्सा चला था, एक डायरेक्टर थे बेनाबेस जिनकी जिन्होंने ओथेलो वगैरह डायरेक्ट किया था, पीयूष ने भी किया, तो वो कुछ बोलते थे जो हमने सुना नहीं था, हमने तो देखा भी नहीं था, कि भाई साहब एक ही कमरे में ना तू जैसे हक के आया और भाई साहब तेरे दोस्त लोग, उसने बोला कि एक दूसरे के ना
See, it's such an uncool thing, but I'm discussing it with you because I don't know if it works or not. But you can think about it. You don't have to do it, but you can think about it. उसने कहा भाई साहब तू हग और तू जा. उन्होंने अंग्रेजी में बोला होगा पर एक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं. और जाके ना ऐसे पॉट से हग उठा और हाथ में ना 30 सेकंड तक मलता रहे, तेरी शाइनेस दूर हो जाएगी. हम में से किसी ने ये एक्सरसाइज नहीं की है, मैं तुम्हें भी नहीं बोलूंगा करो. करो मत लेना. बट मैं एक बात बोल रहा हूँ कि वो फैली हुई बात थी और ये बात मुझे अशरफ ने बोली. मैं बताऊंगा ही नहीं कि मैंने की है या नहीं की है. तुम करके बताओ या ना बताओ कोई फर्क नहीं पड़ता. पर 5 सेकंड के लिए आंख बंद करके इमेजिन करो एक दूसरे की शिट को तुमने अपने हाथ से मल के. सिवाय घृणा के कुछ ऐसा तो है नहीं कि कोई बम फट जाएगा, कोई विस्फोट तो हो नहीं जाएगा, कोई किसी की ब्रेकअप नहीं हो जाएगा, कोई किसी का कुछ नहीं हो जाएगा. 1 सेकंड के लिए आपने ये हॉरिफाइंग चीज कर ली. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमें पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप एक चीज से आगे निकल आओ. ये उनका कहना था. ये हम सुनते थे, हम एनर्जी नहीं थे, हम उसकी बात सुनते थे. पर हम सोचते सोचते ही अपनी शाइनेस पे काम करने लगे कि आगे जाना. गंदा उदाहरण मैं देता हूं कि एनएससी में एक और बात होती थी कि भाई साहब माल मारो माल, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, लोग मारने लगते हैं. किसी की शेट उठाना और चरस मारना, इन दोनों में से हॉरिबल चीज क्या है? चरस मारना. और दोनों ही बियॉन्ड जाते. मैं ये कह नहीं रहा हूं पर मेटाफोरिकली इमेजिनेटरी वर्ल्ड में आप ये चीजें कर सकते हैं. प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप कर रहे हो, आप क्यों बताओगे किसी को? क्या पता मैंने किया हो, क्या पता डोरल की मैंने एनसीसी से की हो और डोरल ने भी एनसीसी से किया हो. ये मेरी और उसकी फाइट. पर एक चीज है, कहने का मतलब ये है कि आपकी परफॉर्मेंस और आपके बीच में एक शाइनेस होती है जो टकती है, बस इतना क्या. ये वर्ड भी नहीं सुनते ना हम तो यार, बोलते भी नहीं है मतलब. पर ये वर्ड हैं, ये बुरे नहीं है. ये बोलना इसलिए आना चाहिए क्योंकि हम कुछ तोड़ रहे होते हैं. क्या बोलेगा? मैं एक छोटी सी अपनी शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूँ. मेरे पास लैपटॉप नहीं है, नहीं तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ. मैं छोटे उससे मैं सुना देता हूँ. बिल्कुल सच्चाई है जिसकी मैं शॉर्ट फिल्म बनाने जाता हूँ. मैं नरेश से बोल भी रहा था. एक छोटी सी फिल्म है, एक लड़की, एक पुरानी दिल्ली का एक पुराना घर, पुराने घर की एक पुरानी खिड़की. उस खिड़की पर अक्सर जो भी लड़की होती थी उसको सेट करने के लिए मोहल्ले के सब लोग लगे रहते थे. तो जब हम 16 के हुए, मैं भी 16 का हुआ, तो मैं भी 16 का ही हुआ. मेरा भी मन किया कि यार वो खिड़की खुलनी चाहिए. और बड़ा मन था कि वहां पर कोई तो है जो बहुत खूबसूरत लड़की रहती है. और एक दिन खिड़की खुल गई और अपने लिए पूरा का पूरा वक्त ही रुक गया जिसका हमें था इंतजार. वो घड़ी आ गई. अब उस लड़की को देखते रहते थे. अब इतना देखते थे, इतना निहारते थे कि बस निहारते भाई सब अंडा ब्रेड खाया निहारे, दोस्त से बात करें निहारे, कोई और निकला निहारते समय उसकी लात मार दी, क्या देख रहा है, चक्कू चुरे दिल में देख रहे. इट्स नॉट माई एज, इज लाइक कि कैफेडे में जाके सेटिंग हुई, बरिश्ता में जाके ब्रेकअप हो गया, ऐसा नहीं. निहारने में मेरे साथ 1.5 साल 2 साल बीत गया. 18 साल का हो गया उस लड़की को निहारते. 18 साल का हो गया. अब वो लड़की भी थोड़ी बड़ी होगी, ठीक है, वो 15 की होगी तो सब जो 17 की हो गई या 14 की रही होगी तो 16 की होगी. अब 18-16 तो एक इश्क की उम्र होती है. अब वो लड़की को कहा कि चल बेटा जा बाहर गोलगप्पे खाने चली जा, तू कोई बात नहीं, उसको परमिशन मिल गई. अब वो जिस गोलगप्पे वाले भी आती थी वो हमारे घर के नीचे था. अब वो जैसे ही आती वो बोलता आज मसाला तेल डालू मैडम या कल डालू, इतनी जोर से पता नहीं क्यों बोलता था. हमें पता था कि क्यों बोलता था. वो मेरे लिए इशारा होता था कि अभी तेरी सेटिंग आ गई तो अपन ही तैयार होकर नीचे पहुंचा. खिलाइयो भाई. अब हमने गोलगप्पे खाने शुरू कर दिए. हम दोनों से वहीं पर उसकी दुकान पर ही हेलो हाउ आर यू
थैंक यू सॉरी सब हो गया ठीक है। अब हो गया वहां पर, तो अब हमने उसके चक्कर में सौंठ खानी शुरू कर दी। सौंठ समझते हो, मीठी चटनी जो होती है, और उसने हमारे चक्कर में मिर्चें खानी शुरू कर दी तेज बनाना। अब वो मिर्चें खा रही है, हम सौंठ खा रहे हैं, वरना पुराने दिल्ली के जो लौड़े होते हैं ना वो गोलगप्पे डायरेक्ट खाते हैं, सौंठ वोट नहीं डालते, पर क्योंकि वो खाती थी मैडम, और उसको गोलगप्पों में पानी आलू छोले सौंठ मसाला डालकर खाते हुए देखकर जो सुकून मिलता था ना वो एक्टिंग में भी नहीं मिलता। पहली बार वहीं मुलाकात हुई, बात हुई, अब वो रिक्शे से निकलती, हम देखते तो एक हफ्ता कट जाता, चाहे फिर दिखे ना दिखे, अगर उससे हेलो हो जाती तो एक महीना कट जाता। फोन करते, अब भगवान जाने उसकी धुआं उठाती, चाची उठाती, मामी उठाती, बहन उठाती, पर उसके घर से जो भी आवाज आती हमें लगता उसी की होगी। हम यहाँ से साइलेंस देते, अब ऐसा दो दो महीने कट जाते। अब अपनी बहन भी उस्ताद थी तो हमने बोला कि जरूर ऐसा करो उसके साथ दोस्ती कर लें, देखो चाइना सिल्क का सूट लेके दूंगा बढ़िया वाला, तू फिल्म देखने जाना है गोलचा, तो उसने सेटिंग करा दी, हम गोलचा चले गए। अब फिल्म देखने गए गोलचा, और गोलचा के लाल लाल कालीन पे जो भी आशिक जाता ना उसकी अच्छी जिंदगी बीतती है, अरे छोटे छोटे कांच लगे हुए हैं गोलचा में, वहाँ पे अपनी शक्ल देखो तो ऐसे लगता है मुगले आजम का सीन चल रहा है, हम सलीम है, वो अनारकली है, तभी उसका बाप भी पीछे से आके बोलता था कौन से फिल्म देखने आए हो, तो हम अलग अलग हो जाते थे। वो मेरी बहन के साथ आई होती थी, तू मैं तो छोड़ने आया था अंकल, अब मैं ऐसे निकलता था उसके बाद में अंदर घुस जाता, अब वो ऊपर खड़ी होती थी, अब वो गोलचा क्या है तंग है थोड़ा सा, तो मैं उसका हाथ पकड़ना जरूरी है, भाई तू अपने दोस्त के साथ जाएगा हाथ पकड़ लेगा ना, तो हम भी हाथ पकड़ लेते थे, हाथ पकड़ के हॉल में घुस जाते थे। अब टिकट वाले ने दिखाई, उसने सीट दिखाई, हम सीट पर बैठ गए, हाथ अभी भी नहीं छोड़ा। अब फिल्म चल पड़ी, फिल्म चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, मैडम कनकियों से हमको देखती रहती थी, हम उसको देखते रहते थे और फिल्म देखते रहते थे साथ साथ, और मेरी बहन तो फिल्म भी देख रही थी। अब देखते 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 इंटरवल, अब आया पॉइंट कि हम क्या बोले, इंटरवल हुआ, इंटरवल में जब बाहर आया तो मैंने पूछा अभी क्या खाइए, दिल्ली वाले ऐसी बात करते हैं क्या खाएगी, कहती है आइसक्रीम, मैंने पागल हो रही है क्या बावली, आइसक्रीम खाएगी, समोसे खा ले गर्म गर्म, इतनी सर्दी है गला ख़राब हो जाएगा। उसने कहा क्या बोला आपने, मैंने कहा गला ख़राब हो जाएगा, उससे पहले क्या बोला, मैंने कहा सर्दी है, नहीं उससे पहले क्या बोला, मैंने कहा पागल हो रही हो क्या, हो रही नहीं बोला, आपने कहा था पागल हो रही है क्या बावली, उसका एम्फेसिस बावली पर था और हमारा प्यार था बावली, अब उसका एम्फेसिस हमारा प्यार दोनों टकरा गए। उसने कहा आपको बोलने की तमीज़ नहीं है, मैंने कहा तमीज़ क्या नहीं है, गला ख़राब होता ही है, टॉन्सिल बढ़ जाते हैं खांसी में सर्दी में, अगर आप आइसक्रीम खाओ तो पड़ती है ना भाई, तो गलत बोला था मैंने, तो मैंने बोला कि गलत क्या बोला, सच में जिससे मर्जी पूछ ले, डॉक्टर माथुर से पूछ ले, बेफालतू का इंजेक्शन भी लग जाए दवाई लग जाए बुखार चढ़ गया तो और देने के देने पड़ जाएंगे, कहती है मैं जा रही हूँ, जा रही है, मैंने कहा जा, जा फिर, मैं आई वाज श्योर अबाउट इट कि मैं कोई गलत नहीं बोला भाई, मैंने कहा जा, और उसी लाल कालीन पे थप 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 करके बाहर निकली। हम मॉर्निंग शो देखने गए थे, पता है 12-1 बजे तक तो कोहरा ही रहता है, तो इंटरवल समझो 9 से 12 देखने गए थे सुबह का शो, तो 10:30 बजे होंगे बाहर निकली, रिक्शे पे बैठी हैदरपुली चल पड़ी, रिक्शे वाले से तय भी नहीं किया कितने पैसे, पता नहीं कितने ले लिए होंगे, आज तक मुझे इस बात का अफसोस है, निकल गई बैठ गई चली गई वो धुंध में खो। हमने कहा ऐसी तैसी में जा यार, बालकोनी की टिकट खरीदी थी आज तक अपने बाप के लिए नहीं खरीदी, मैंने कहा भाड़ में जा, ऊपर चले गए कालिया लगी हुई थी गुरु, अभी दोबारा लगी हुई थी कालिया, देखने गए गोलचा में बैठ गए, पूरी फिल्म देखी, देखने के बाद अब बॉम्बे में फिल्में लिख रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल रहा है, आईफा भी मिल रहा है, पर आज भी हम ये सोचते हैं कि मैंने गलत क्या बोला, साला उस दिन आइसक्रीम खिलाई देता पर बोलना जो होता है उसको बोलने से डरना भी नहीं चाहिए, एहसास तो रहता है, पर कितनी अजीब सी चीज है कि कितनी अजीब सी चीज है यार, एक लड़की को, मैं अपनी बीवी को, मेरी बीवी मेरे से झगड़ा करने लगती है, वो न्यूयॉर्क से आई हुई है पढ़ पढ़ के, तो कह रहे कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा टट्टी करने, एंड मुझे नहीं पता होता, बट व्हेन शी अंडरलाइन आई से नाउ आई से ओके आई जस्ट वांट टू और मैं भूलता ही नहीं डर के मरे आई, बट कहने का नहीं कि हम क्या बोल पाते हैं, तो हम करेंगे, एक्टर का काम तो करना है ना, आ जाओ फिर आप
वो डांस के लिए एक्सरसाइज करो, आज नाच के देगा सब मुजरा देगा मुजरा। म्यूजिक अपना अपने दिमाग में कुछ भी listen to me and dance like an idiot. Idiot कैसे कोई लड़की idiot dance कैसे करेगी? करो बाहर नहीं कोई नहीं अपने आप का idiot. जिसको ताल का ज्ञान ना हो वो कैसे डांस करेगा? ताल का जिसको सुर का ताल का ज्ञान ही ना हो बुआ कैसे डांस करेगी? आपकी बुआ देखो देखा तो होगा देखा तो होगा था बुआ कैसे डांस करेगी जैसे मेरी बुआ ऐसे डांस आओ ना जिसको देखती है उसको कहती शर्मा के आओ ना हम नहीं आ रहे तो कहीं डांस आओ तो सही मुझे ऐसे कर दिए तो आई वो क्या करेगी ऐसे कर दिए जी आओ एक सपोर्ट चाहिए होता है यू नो व्हाट आई एम सेइंग दिस की एक सपोर्ट चाहिए एक्चुअली हमें सपोर्ट सिस्टम को हटाना चाहिए व्हाट अ पॉइंट दिस इज आल्सो आई शाइनेस तो हम इस समय बात करें शाइनेस पे शर्मीलेपन जो एक्टिंग का सबसे बड़ा दुश्मन होता है लेकिन एक्टिंग का सबसे बेहतरीन दोस्त बन सकता है जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप शाइनेस को बहुत इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आप रिएक्ट नहीं करेंगे पर जब आप मंच पर हैं जब आप एक सुंदर शब्द एक एक्टर के लिए आई लव यू से भी बेहतर शब्द होता है एक्शन तो जब आप एक्शन सुनो तो आपके पास स्पार्क होना चाहिए जैसे एक दो तीन चार पांच छह ये काउंट है इसमें आप अपना दुख व्यक्त करो डायलॉग्स नहीं है तो कौन करना चाहे एक करे कोई ताकि बाकी लोग देख लें उसको कौन करना चाहे कौन है जो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दो दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह समथिंग लाइक दिस तो वो भी ट्राई आ जाओ भाई इसका प्लस पॉइंट है ये वैंचर लॉन्डिंग ट्राई करने में सबसे ज्यादा आ गया ये या निकले ना निकले कुछ टेक योर टाइम एंड ट्राई टू डू दिस एक्सरसाइज नो डायलॉग्स नो लैंग्वेज हम हिंदी अंग्रेजी की बात कर रहे हैं हम सिर्फ काउंट करते हुए कैसे रो सकते हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ट्राई टू गिव इट टू द कैमरा कैमरा जो है ना उससे थोड़ा सा कोशिश करो कि कैमरा से मुखा देने की कोशिश करो उससे नजर मत चुराओ तू दोबारा आई हो एक बार आई एम सेइंग कि सिक्स सेवन
8 9 10 11 12 सही है, प्रोसेस में आ जाए। मैं भी लिटिल रूड क्योंकि सबको आना है, तो वर्किंग तो वर्किंग नॉट वर्किंग, बट गुड थिंग इज कि आप अटेम्प्ट करते हो और ये कोई एक्टिंग की उस पर नहीं है। आप समझ रहे हो ना कि एक सोच के ऊपर है सब कुछ, ये मुझे ये करना है। कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे से नहीं हो रहा या नहीं हो रहा, इट्स नॉट वर्किंग अभी, बट इट विल डेफिनेटली वर्क बिकॉज यू वॉन्ट टू डू एंड यू इफ यू गॉट दिस एक्सरसाइज देन वन डे यू विल। क्या होता है कि जब लिखे हुए शब्दों के ऊपर हम परफॉर्म करते हैं तो उन शब्दों के हिसाब से हम अपने आप को इमोशनली कन्विंस करते हैं। एक्टिंग के बारे में एक चीज पता है ना कि एक्टिंग इज नॉट अबाउट, इट्स नॉट 100% प्योर थिंग। जब हम मंच पर होते हैं तो हमें पता होता है कि हम मंच पर हैं, हम सेट पर हैं, हमारे सामने कैमरा है, हमें मालूम है एग्जैक्टली कि स्विच ऑन कब करना है, हमें एग्जैक्टली मालूम है कि स्विच ऑफ कब करना है। वरना हम अगर 100% इन्वॉल्व हो गए तो हम सामने वाले को जान से मार सकते हैं, है ना। ये बड़ी साधारण सी बहस है कि किसी ने बोला कि मैंने शराब पी के एक्टिंग करी थी और शराबी की बहुत बढ़िया एक्टिंग करी, तो मैं कहता हूँ कि वो एक्टिंग नहीं है, वो तो एक्टिंग नहीं है ना, वो तो रियल है। अब मैं उसको बोलूँगा अगर तुझे मरने की एक्टिंग करनी हो तो क्या मर जाएगा, एक्टिंग ही करोगे ना मरने। तो एक्टिंग का मतलब यही है कि हम एक्टिंग करेंगे, तो अभी यहाँ है फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, धीरे 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 आएगी, है ना, तो वहां तक पहुंचेगी। चल टेक योर टाइम, कल रात तक नहीं, अभी। हाँ उसकी वजह है, एक टाइम के बाद गिनती क्यों जरूरी है, साइलेंस में मालूम है वो अलग एक चीज है, अब अकेले बैठे हुए हो कुछ कर रहे हो, पर ये कुछ और है, बताऊंगा क्या। तीन
सोचा था। पांच छः सात give you little change कि हम कुछ और बात कर रहे थे, हंस रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, गंदी इंग्लिश बोल रहे थे अचानक। See, it's not about lines writing. Counting से कैसे कोई आदमी emotional हो सकता है? तो सब fake है ना? Internal तो counting का कोई मायने नहीं है ना? एक, दो, तीन, चार, पांच, इसमें क्या होगा? कोई emotion नहीं है ना? लेकिन आप कैसे स्ट्रेंथ ले रहे हो और कैसे इन्वॉल्व हो रहे हो वो खेल होता है पूरा। लिटिल लिटिल इंट्रोडक्शन, सब इंटरनल है, एक्सटर्नल कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब इंटरनल है हमारा खेल सारा। कैरेक्टराइजेशन जो भी है, प्रोसेस जो भी है, वो सब अंदर से, गुस्सा अंदर है, हैमलेट का कंफ्यूजन अंदर है, बाहर क्या है? कुछ नहीं। अगर मैं गाली दे रहा हूं किसी को, तेरी माँ की, तेरी बहन, वो गाली बाहर है, गुस्सा कहां है? तो सब अंदर है। वन टू थ्री फोर फाइव सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन कितना अंदर उतरने हैं। काउंटिंग एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक सिर्फ हमारी बनाई हुई खुद का एक टूल है। हम जैसे एक रस्सी से गहरा कुआं नापते हैं, ऐसे हम काउंटिंग से कितना अंदर जा रहे हैं। कभी कभी हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कभी कभी हम बाहर आते हैं, कभी कभी हम ये सोच रहे होते हैं कि यार मनु आया हुआ है तो मैं दिखा दूँ। हम 10 चीज़ें सोचते हैं ना बाहर, बाहर के वर्ल्ड के लिए। बट अगर इंटरनली ऑनेस्ट हैं
तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी निकलेगी, क्योंकि मेरा मुझे भी बहुत समय के बाद समझ आया हम ऐसे रोने लगते थे भाई, कुछ अजीब सा करते थे, अब तो वो सारी मतलब अब दिल नहीं करता वो रोने का। हम अपने रोने अपने हंसने से अपनी निजी जिंदगी में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, हम अपने गुस्से से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, हम अपने ह्यूमर से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, हम हर उस रस से अपने जीवन में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। अगर किसी लड़की किसी लड़के ने लड़की का धोखा नहीं खाया है तो कोई और धोखा खाया हो, अंदर तो धोखे का सेट हो गया ना सॉफ्टवेयर। अब वो मदर डेयरी का जो दूध होता है उसमें एक सिक्का जाता है, मदर डेयरी का ठप्पा लगा होता है, दूध बाहर आ जाता है एक लीटर, यही होता है ना। पर उसी साइज का और कोई मेटल भी डाल दोगे तब भी दूध बाहर आ जाए। अब उसको मशीन को थोड़ा ना बताया कि क्या, तो हमारे अंदर जो मशीन है वो वाकिफ हो चुकी है, 20-22 साल की उम्र तक आप वाकिफ हो चुके हो हर एक्सप्रेशन से हर इमोशन से। तो जितना उसको इंटरनल रखेंगे उतना खूबसूरत लाइन्स में लिखा हुआ मिल गया तो बहुत सोने पर सुहागा होगा। गलत कह रहा हूं सर मैं? वो खेल है बुरा का बुरा कि आप, ये मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने इंटरनल को बहुत स्ट्रांग रखिए, लालची रहिए कि मैं हर रियल धोखे को अपना बैंक बनाऊंगा, मैं हर रियल खुशी को अपना बैंक बनाऊंगा। बैंक बना के रखिए, एक्सप्रेसिवली और इंटेंशनली उसकी गलियों में जाते रहिए। दो तीन फायदे होंगे, एक तो आप खुद को भूलेंगे नहीं और आप बदलेंगे नहीं। ग्रो करना और बदलना दोनों अलग शब्द हैं। जब इमोशंस का बैंक आपके पास होगा तो बहुत खूबसूरत तरीके से उसका आप उसको रिएक्टिव लेवल पे लेकर आ सकते हो। एंड प्लीज 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 ट्राई टू वर्क ऑन योर कॉम्प्लेक्सेस, दे आर ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स, और बहुत ही ज्यादा गीली मिट्टी के हल्का सा आप उनको मोल्ड करेंगे वो आपका सबसे बेहतरीन कॉन्फिडेंस बन जाएगा। मैं खुद कॉम्प्लेक्सेस से निकला हुआ, कॉम्प्लेक्स रहना मेरा मन नहीं है, पर हमारी खुद की गलतियां, किस्मत, हमारा जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण है, कुछ हमारी गलतियां हमें ले आती हैं उस तरफ, है ना। मैं जानता हूं उन चीजों पे और उस पर काम नहीं कर रहा हूं तो मेरी ग्रोथ रुक जाएगी, और स्टूडेंट की ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए। हम थोड़े से करप्ट हो चुके हैं, मुझे हक है कि नहीं ये बोलने का, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूं क्योंकि शब्दों की भी अपनी वैल्यू होती है। हमारी ग्रोथ, मेरी ग्रोथ रुक चुकी है, अब उसको दोबारा पुश करने के लिए मैं पावर लाना चाहता हूं, है ना। शायद मैं तुमसे वो पावर लेके भी जाऊं, शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, पर मेरी ग्रोथ रुक चुकी है। कैन यू फील अबाउट इट कि जैसा क्रिएट एक्टर, ही नोज एक्टिंग सो वेल, हिज नेम इज नसीरुद्दीन शाह, आई एम हिज बिग फैन। मैंने पता उनको बोर होते हुए देखा है एक्टिंग से, और बोर पता कब होते हैं एक्टर, जब तुम्हारी जैसी लैंग्वेज, उन्होंने एक दिन के बाद वर्कशॉप देनी बंद कर दी, ये हैंडराइटिंग वर्कशॉप उन्होंने की थी बेहतर, और उन्होंने जो की थी वो मेरे और तुम्हारे लेवल पे कुछ भी नहीं। 15 दिन तक वो मुझसे नाराज, गुस्से में थे, तकलीफ में थे, और मेरी माँ बहने कर दी, तू बहन से पहले इसका जवाब दे, तेरे छुट्टी नहीं बोल, तेरे तू बहन तेरे बाप को अगर बहन किसी ने बोल क्या करेगा तू, मैं भी रिएक्ट कर रहा था क्योंकि एक एंग्स था। बट एक जगह जब उसने बोला तो सिचुएशन मिला सर, तो वही था कि उनका भी, अब हम उनको देखते हैं या हम बहुत से एक्टर्स को देखते हैं जो कैसे कर रहे होते हैं, मैं जान के बता रहा हूँ आपको, मैं भी उसी तरफ बढ़ रहा हूँ, हालांकि मैंने बहुत एक्टिंग नहीं की है पर मैं बढ़ रहा हूँ। तुम लोग ना बढ़ो, ये मेरा कॉम्प्लेक्स है कि मैं भी उस तरफ जा रहा हूँ, तुम लोग ना जाओ, ये एक मतलब क्या होता है, ऐसा कभी मत जिंदगी में करना। आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दिस एक्टर बट आई
tell you what exactly happens. आप डायरेक्टर हैं, आप आइए, आप मुझे सीन समझाइए, कोई कुछ भी। आज का सीन ये है कि आपको प्रियंका एंट्री लेना है। आई एम एक्टिंग हां हां चलिए। आपको अंदर बैठना है और आपका कोई किसी कोई आपका फ्रेंड पुराना कोई फ्रेंड है फेसबुक पे मिला था तो उसने मुझे बोला आपसे मिलने के लिए तो अभी आएगा और आपसे बात करेगा। ओके चलो टेल मी व्हेन यू आर रेडी। हेलो हां या वेरी गुड टेल मी व्हेन यू ओके भैया बढ़िया मैं मिलता हूँ आता हूँ मैं डिनर पे आता हूँ आप रेडी हैं तो आप बोल सकते हैं एक्शन एक्शन एक बोल करना एक्शन। अरे यार हम लोग तो फेसबुक में मिले थे अरे कैसे हैं आप क्या हाल है मेरी जान बढ़िया कट ओके हाँ हेलो हाँ बढ़िया यू नो माय पॉइंट कि व्हाइल टॉकिंग टू माय फ्रेंड I got your what exactly you were expecting. Yeah. Then I performed and again I got on the phone. Yeah. और पूछ भी लिया कितना लगा है इतना या इतना अगर तुम बोलोगे पूरा शॉट है बेटा फोन पकड़ ले यहाँ से एक्टिंग करी फट से निकले फोन पे बात आप समझ लो तो वो और यही एक्टर के साथ जब मैं 12 साल पहले 14 साल पहले की बात मैं किसी फिल्म में असिस्ट करता था तो मैंने इन एक्टर को देखा था ऐसे ये ऐसे हो गए अब मैं आपको इनका नाम लेता हूँ ये है अनुपम खेर वो उनको गलती उनकी नहीं है सब इडियोटिक कैरेक्टर्स उनको मिल रहे हैं और वो ऐसे करके एक्टिंग कर लेते हैं आज भी वो कहते हैं कि एक साला कैरेक्टर ऐसा नहीं मिल रहा जो मुझसे फोन छोड़वा पाया आई एम सर्वाइविंग बिकॉज आई एम एक्टिंग व्हाट इज हैपनिंग विद नसीर भाई नहीं बोर बोर तो वो उनकी प्रोसेस है मैं उनपे जाऊंगा पर बहुत जल्दी मैं हो रहा हूं जैसे तो वो मत और वो उसका रीजन यही होता है कि अगर होना भी है तो खूब सारी एक्टिंग करके होता है तो अभी खूब एक्टिंग करनी है बहुत सारी एक्टिंग करनी है कम ज्यादा की चिंता मत करो वो सब कंट्रोल में आना पर एक्टिंग करनी है इसके लिए बहुत चीजें वो है कोई कुछ पूछना चाहता है कोई ऐसा कोई सवाल जो भाई ये मत पूछो कि सर इस सीन को कैसे करते हैं ये मैं नहीं बताता ना साला मैं राइटिंग की तरह बताता हूँ ना कुछ ऐसा पूछना जो बॉम्बे में आपको लगता है कि आने के बाद क्या करेंगे हम क्या होता है जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है तो कुछ भी पूछ लो हाँ मैं जो सबके लिए यूनिवर्सल ये है कि पहले तो आपको किसी दोस्त से पता चला कि ये प्रोड्यूसर जो है फिल्म आप उसके ऑफिस में जाएंगे मैं आपको कोई भी सच्चाई नहीं बताऊंगा मैं आपको दोनों ऑप्शन प्रोड्यूसर आपसे एक मिनट में भी मिल सकता है और एक महीने में भी नहीं मिलेगा मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं मिलने के बाद आपके पास मात्र एक मिनट होगा मैं कहूंगा कि एक्टिंग बहुत खुददार चीज होती है जब कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर सड़क पर वॉक कर रहा है या सुबह जॉगिंग कर रहा है या जिम करने आया है उससे कभी ये मत बोलो कि सर एक मिनट मैं एक्टर हूं मुझे काम करता हूं क्योंकि वो उसी समय भूल जाएगा ये मेरा मानना है बिल्कुल जब वो ये पता लगाना तुम्हारा काम होना चाहिए कि कौन सी फिल्म शुरू हो रही है उसे कौन प्रोड्यूसर बना रहा है और सबसे बड़ी चीज अब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से नहीं मिला जाता अब कास्टिंग डायरेक्टर से मिला जाता आपको यहां बैठे बैठे कुछ आइडिया है कि कौन दो बहुत अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर हैं मैं आपको आज बता दूंगा एक का नाम है हनीत रेहान जिन्होंने तलवार की कास्टिंग की है और कितनी खूबसूरत कास्टिंग की और एक का नाम है मुकेश छाबड़ा जिन्होंने बासीपुर की कास्टिंग की और तमाम फिल्मों की कास्टिंग तो ये दोनों को ही मिलकर अपनी तस्वीरें देना इनको ऑडिशन दे देना और सबसे ज़्यादा आसानी से काम मिलता है एड्स में कमर्शियल्स में आप खुद देखते हो कि कमर्शियल में कोई ना कोई नया चेहरा आपको दिखता है जिसको पहले नहीं देखा होता
तो उससे क्या होगा कि एक पैसा आने की संभावनाएं बढ़ती हैं और माँ बाप से ना मांग कर आप खुद सर्वाइव करने लगते हैं, है ना। कई लोग ऐसे होंगे जो अपने पेरेंट्स से नहीं लेते होंगे, है ना, कई लोग हैं लेते हैं, तो वो चीज़ें वो होनी शुरू हो जाएंगी। तो मिलना और मिलने के बाद अपनी छाप कैसे छोड़ना, वो सब आपके पास होना चाहिए। मैं इतना बोल सकता हूँ कि वो बहुत ऑनेस्ट होता है और कभी कभी फकअप्स भी हो जाते हैं, कभी कभी कुछ होता ही नहीं। विपुल वेग जिसने फुकरे लिखी है और रजत ये जो छोटा सा लड़का है जो वासीपुर में तिकमांशु धुलिया का जिसने बचपन किया था, ये दोनों जो है रोज सतीश कौशिक के सेट पे पहुंच जाते थे और सतीश कौशिक को देखते थे दूर से, जैसे सतीश कौशिक घर आने लगते पीछे पीछे चलने लगते। ये इन्होंने 10 दिन तक लगातार हुआ, उनको लगा साला कोई गैंगस्टर के बंदे हैं, गोली वोली न चला दे। तो एक दिन उन्होंने कहा हाँ भाई इधर आओ क्या है, तो दोनों भाग गए डर के। फिर एक दिन मिले कि सर आपके साथ, कहते ऐसे थोड़ा ना काम मिलता है यार, मैं कुछ बना रहा हूँ अभी, इसकी कास्टिंग होगी, नेक्स्ट फिल्म की जब कास्टिंग होगी ऑफिस में मेरे से मिलके रहो। तो बड़ी सरल सी चीज़ है, उन्होंने समझा दी, तो यही है ना, यही है। तो हर एक का अपना एक माइंड सेट है, हर एक का अपना एक क्रिएटिव स्पेस है। जो फिल्म मेकर है वो अपने वर्ल्ड में रहता है, अपने दोस्तों के साथ रहता है, अपने दोस्तों को ही काम देता है, तो उसके दोस्त कैसे बनोगे आप। मैं अपना फॉर्मूला दे सकता हूँ मैं, और 100% वो फॉर्मूला बहुत खराब है और तुम सबके पास है वो पावर। अगर तुम पसंद आ गए और तुम्हारे को बोला गया कि कितने पैसे लोगे हैं, तो एक लाइन बोलना, सर जो आप दोगे वो रख लेना। पहली बात, ये फॉर्मूला कभी नहीं जिंदगी में हटेगा, शर्तीय फॉर्मूला है ये, शर्तीय, ये उसके दिल तक पहुंच जाती है बात। डायरेक्टर सर जो देना आप दे दो, पर उसका हल भी होता है, उसका नुकसान भी होता है, कुछ समय तक पैसा नहीं आता, पर एक शोरील नाम की चीज़ होती है जो बन जाती है। जैसे आप YouTube पे डाल दो, एक्टर्स को बोलो, WhatsApp पे छोटा एडिट करके बना लो कि मैंने एक सीन दिया है, एक सीन किया है, और एक सीन करने से भी कतराना मत, पूरा रोल भी आपको ही मिलेगा। अगर एक सीन आपको मिल रहा है तो पूरा भी आपको मिलेगा। एक सीन मुन्ना भाई में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिलता है तो वासीपुर भी उसी को मिलती है। मैं किसी रणबीर कपूर का नाम नहीं लूँगा क्योंकि हम में से कोई रणबीर कपूर नहीं है। मैं रणबीर कपूर का फ़ैन हूँ, आप भी हैं, सब हैं, हमें सबको होना चाहिए। मैं अक्षय कुमार का फ़ैन हूँ, सबको होना चाहिए। सलमान, शाहरुख, आमिर खान सबका मैं फ़ैन हूँ, पर मैं वो नहीं हूँ। तो मुझे एक सीन भी मिलेगा मैं करूँगा, क्योंकि वही मुझे 10 सीन भी दिलवाए। एक मिनट देगा प्रोड्यूसर तुमको मिलने के लिए डायरेक्टर, और एक सीन करने जाने के लिए पूरा दिन मिलेगा। तो जो आप एक मिनट में नहीं कर सकते वो पूरा दिन में करोगे इम्प्रेस। उसको बोलोगे कि आप मुझे थोड़ा बड़ा रोल भी देंगे तो मैं आपको, आप मुझे याद रखेंगे, सर मैं मेहनती हूँ, ये आपको दिखाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज जो मैं दिल से तुम्हें बोलना चाहता हूँ सब लोगों को, तुम लोग बहुत साधारण लोग हो, बहुत ज़्यादा सिंपल लोग हो, सब लोग स्मॉल टाउन से आए हो और वो शहर स्मॉल टाउन वालों को बहुत पसंद करता है। बट इफ यू आर ट्रू टू योरसेल्फ, खुद को भूल के एक्टिंग होती है। अगर खुद तुम, अपन तुम बोल रहे हो, मेरे को एक बार नाम बताओ, कृपाल सिंह। कृपाल सिंह, तू अगर ये बोल रहा है कि मेरा नाम कृपाल सिंह है जी, मैंने कुछ खाया नहीं है सुबह से, अगर तू रुला रहा है सामने वाले को, तो इसे भीख कहते हैं, एक्टिंग नहीं कहते। तो बोलेगा मेरा नाम जॉनी है, मैं सुबह से कुछ खाया नहीं, पर मैं आज भी फाइट करेगा तुमसे, तो तू कैरेक्टर होगा। तो एक्टिंग हमेशा आप नहीं हो, आप हो उस कैरेक्टर के अंदर, उसके इमोशन की वजह से, पर आप नहीं हो। कभी किसी दुकानदार को हमने ऐसा तो नहीं बोलते हुए देखा कि सर ये हेलमेट खरीद लो मुझसे, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। वो कहता इतने का हेलमेट है, इतने का ले लो, इतने का दे दो, नहीं यार इतने का। मैं एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई डॉक्टर एक्टर बनता है तो वो डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना। मैं एक शॉपकीपर, एक दुकानदार, एक सर्वाइवल
इशू का मारा हुआ आदमी, तो मैं उसी तरीके से बताऊंगा। तो दो तीन चीज़ें, तीन चीज़ें जो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिंग, सबसे ज़्यादा। और वो करते रहने के लिए क्या करें, उस शहर में जाके फ़ोटो दी, घर आए, अपनी रोटी बनाई, सो गए। एक महीने तक क्या करोगे? क्या हम में से किसी में क्षमताएं हैं? रियाज कैसे करते हैं? किसी को बोलो तबला वाला भाग गया, आप मेरा तबला बजा सकते हैं? आप में से कोई नहीं बोलेगा सर मैं तो नहीं बजा सकता, सर मुझे तो आता ही नहीं। कितना सच बोलोगे आप? यार मेरा हारमोनियम वाला भाग गया है, मेरी परफॉर्मेंस से कोई हारमोनियम बजा सकता है? तुम कहोगे नहीं बजा सकता। एक्टर भाग गया है, तुम कहो हाँ जी कर लेंगे, तुम क्या तुम्हारा भाई भी कर लेगा जो यहाँ एक्टिंग कर देनी है? तो इसका रियाज बहुत ज़रूरी है। इसके लिए दोस्त जो शेयर करें किराया आपका, ऐसी जगह पे रहना जहाँ से ऑडिशन देने जाना आसान है, ऐसे दोस्त जिनके पास तीन वाइट शर्ट्स हों, आपके पास तीन ब्लैक शर्ट्स हों, और दोनों एक दूसरे को दें। जो मैं सुबह बोल रहा था, फेथ, लेना देना, इसका बड़ा दिल, जितना बड़ा दिल करोगे उतना अभिनय अच्छा होता चला जाएगा। दोस्तों के लिए उठते बैठते रहो, बी अ गुड ह्यूमन फर्स्ट। वो रेंट पे लेना घर, उसका जुगाड़ करना, मतलब जब एक्टिंग सीख के जा रहे हो तो ये भी सीखने का एक लास्ट चैप्टर रखना। मतलब उस शहर में ज्यादा तो नहीं, एक साल, ये मेरे को रईस याद है, ये तुम्हारे मुंह से ही था कि भाई दो साल का असला लेके आदमी को आना चाहिए। असला लाना बहुत जरूरी है, मिल जाते हैं। मेरे पास फोटो खिंचवाने के लिए 10,000 नहीं थे, मुझे नरेश ने फोटो खींची, अब भी पड़ी है मेरे पास, मैं उसी को लेके जाता हूँ, आज भी उसी को लेके जाता हूँ। पूछो 16 साल पुरानी, और फिर मैं भैया मिल तो लेगा इससे, अब तो बाकी ऑडिशन ले ले है ना। और ऑडिशन देना जरूरी है, वो देना जरूरी है, कहाँ मिले ना मिले। कितने ऑडिशन दिए तुमने, वो तुम्हारा प्रैक्टिकल सेशन, वो रियाज है। क्योंकि गए 30 सेकंड में, आए मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मैंने क्राफ्ट से एक्टिंग की है, और ये वो ये लाइन, अच्छा सर ये कब तुम्हारे तुम क्लिक हो गए, और कब तुम्हारा चेहरा क्लिक हो गया, और कब तुम्हें काम मिलना शुरू हो गया, रोल होना। तो प्रैक्टिकल चीज भी है उस सिटी में। कोई भी धनवान बाप हो, मेस्को एयरलाइंस वाले मेरे दोस्त हैं, एक साल दे पाए अपने बच्चे को पैसे, 4 साल 5 साल हो गए उसको, दिल्ली में गया कमा के फिर वापस एक्टिंग करने आ गया। किसी के भी माँ बाप हो आपको एक साल से ज्यादा, क्योंकि वो आपको इसलिए भी तोड़ते हैं कि आप टूटोगे तो घर वापस आ जाओगे, माँ का प्यार, बाप का प्यार। तो काम करते रहो, काम करते रहो, मतलब क्राफ्ट आपका क्राफ्ट बना सकता है, पर आपका अपना अहम, अपना सेल्फ वहां पर आपको सर्वाइव कराएगा। टेक्निकल चीज है ना, घर लेना पड़ेगा, गुरुद्वारे में तो रहेंगे नहीं, वहां बंगला साहब नहीं है, वहां पर पूरे बॉम्बे में कोई बंगला साहब नहीं है भाई, दिल्ली में ही बंगला साहब, हाँ, और बंगला साहब कोई नहीं, वो है, जब आओगे तो पता चलेगा कि सब कुछ है वहाँ। लेकिन घबराओ मत, मैं सीरियस में तो बहुत सारे, और कोई सवाल है किसी के पास, कोई ऐसा सवाल जो उसको लगता है कि उस शहर से खाली को, उस शहर के से मेरे को पूछना है? सर वहाँ जाने से पहले हमें यहाँ पर अपने आप को कितने दिन कम से कम पॉलिश करना चाहिए? यार वो सेल्फ की आवाज है, मैं तो तुम्हें बोलूंगा कि तुम कल चले जाओ, है ना। जब तुमने यहाँ से एक्टिंग पूरी करी, सीधा बॉम्बे चले जाओ, अगर पैसे हैं, अगर नहीं है तो थोड़े पैसे कमाओ भाई। सबके पास एक और हुनर तो है ना, उस हुनर को एकदम मत भूलना, ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है तुम्हें, वो हुनर बिल्कुल मत भूलना। आप एक्टर हैं थे रहेंगे सारी जिंदगी, चाहे काम करें या ना खाकर, पर एक ऑडिशन से दूसरे ऑडिशन तक पहुंचने के लिए एक समय होता है। उस समय में हम क्या करें, जिसे सर्वाइवल कहते हैं, उस सर्वाइवल के लिए कभी कभी हमें कुछ और नहीं करना मांगता है। जिद्दी ठोस एक्टर बनकर जीने से बेहतर है एक्टिंग के ऊपर रोज काम करने के लिए खुश रहना। एटलीस्ट आपने 3 महीने काम कर लिया, 4 महीने काम कर लिया, और आपने कुछ पैसे बना लिए, या पढ़ने का एक काम करा है, पैसे बना लिए, तो अपने आप को इस दो चीजों के बीच के गैप को रॉटन मत होने ना, सड़ने मत देना, वो बहुत जरूरी है। और वो तभी होगा ऑडिशंस देते रहो। बहुत कास्टिंग डायरेक्टर काम देते हैं, किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलने की कोई जरूरत नहीं,
सब अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वहाँ पर, और मात्र बॉम्बे में काम देने वाले 14 कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं। नाम ढूंढो, नंबर ढूंढो, पहला काम करता। आप अपनी तरफ से ढूंढ लो, नहीं मिलता है तो मैं उनके नंबर समेत आपको दे दूंगा, ये बहुत बड़ी हेल्प होगी। और मैं ये सबको दे दूँ, ये सालों को कॉल करो, मुंह गाली देगा ना, अरे कहाँ से नंबर मिला तेरे को, बोलना मैं मन्नू से मिला। ये अपना रूल होता है जीवन में, एक्टर को जो मेरा दुश्मन होता है वो बोल देता है मन्नू से मिला, फिर वो कहा यार मन्नू क्यों दे देता है यार, जूते बीस बोल कर। तो अंडरस्टैंड दिस।